जो आई है तेरी पल के चुम के हवा के साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यू ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं? आज की सुबह आपके सामने मैं आपको याद दिलाने आई हूँ वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें जो आपको कभी कभार अपने बारे में याद आ जाती हैं। हाय, मैंने ये किया था, मैंने वो किया था, बल्कि आप बहुत सारी बातें खुद भूल जाते हैं अपने बारे में, और आपके बड़े बहन भाई, आपके कोई रिश्तेदार, आसपास के लोग सब याद दिला रहे होते हैं, पता है तुम इतनी नदीदी थी बचपन में, अल्लाह इतना शर्मिंदा करते हैं, यकीन माने, पता है तुम्हारी छोटी बहन पैदा हुई थी, मैं अपने आपको किससे सुनाऊँ, तो मुझे तो नहीं पता था तुम्हारी दूसरी बहन पैदा होगी, तो तुम हॉस्पिटल में पता है क्या कर रही थी, सारे कमरों में जा जा के सबको बताई थी कि तुम्हारी बहन पैदा हुई है, और सब तुम्हें मिठाइयाँ दे रहे थे, बिस्किट दे रहे थे, सब चीज़ें जमा करके मैं अपनी अम्मी के पास ले आई। तो यानी कि मैं कोई 2-2.5 साल की होंगी, मगर ये सारे किस्से, फिर अम्मा ने मुझे एक और किस्सा सुनाया कि मैं बहुत छोटी सी थी, शायद 10 महीने की थी, बोलना भी नहीं शुरू किया था मैं, अम्मी मेरी अखबार पढ़ रही थी और मैं जो हूँ ड्रेसिंग टेबल पर चढ़ के बैठ गई, और अम्मी को कचर 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 आवाज़ आई, तो पता चला कि वो जो पान अब्बू ने बचा के रात को रखा हुआ था वो खोल के मैंने अपने मुँह में ठूस लिया, और पूरा कत्था उसका मेरे मुँह में मैंने लगा लिया। तो मेरी अम्मी ने मुझसे उस वक्त पूछा शीशे में दिखा के, ये कौन है? उस वक्त मैंने नया नया बोलना शुरू किया था, शायद थोड़ा बहुत इतनी जल्दी बोलना शुरू कर दिया था, देखे ना काम आ रहा है मेरा बोलना, तो मैंने बोला कार्टून। तो ये मेरी अम्मी ने मुझे सारा बताया हुआ है, कभी किसी और रिश्तेदार ने बताई हुई है, कहानी खालाओं ने बताई हुई है, इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें आपके बड़े आपको बताते हैं, आपके बारे में, खुद अपने बारे में, बच्चों के बारे में चीज़ें वो खुद भूल जाते हैं और उनको उनके प्यारे याद दिलाते हैं। मगर एक शख्सियत आपकी ज़िंदगी में ऐसी होती है जिनको आपकी सारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर तरह की बातें याद रह जाती हैं, और वो होती है आपकी माँ। जिस दिन तुम पैदा हुए थे ना उस दिन बड़ी तेज़ बारिश हो रही थी, जिस दिन तुम पैदा हुए थे ना उस दिन लू चल रही थी, सो तुमने मुझे रात भर सोने नहीं दिया, इतना जगाते थे, तुम्हारे पेट में इतना क्रैम्प्स पड़ते थे, पहली बार मैं तुम्हारे लिए तब रोई थी, पहली दफ़ा तुमने अब्बा का नाम कब लिया था, पहली दफ़ा तुम स्कूल कैसे गए थे, स्कूल में जाके तुमने कितना रोना वावेला मचाया था, स्कूल जाने का तुम्हें कितना शौक था, आपकी सारी बातें। खाने में तुम मुझे तंग करती थी, खाने में तुम्हें आलू ज़्यादा पसंद थे, मैंने तुम्हारा खाना जो शुरू किया फलाना चीज़ से सबसे पहले शुरू किया, सूजी खिलाई, ये खिलाई, ये सारी बातें आपके बचपन की एक ऐसी शख्सियत है जिसको पता होती है, वो आपकी माँ है। आपने अपने बारे में जो भी किताब खोलकर सवाल करने हैं ना, उसका जवाब आपको आपकी अम्मी से मिलेगा। सो मैंने सोचा कि हम अपने कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं जो शायद अपने बारे में उतना नहीं जानते जितना उनकी माएँ उनके बारे में जानती हैं, और हमेशा ऐसा हर किसी के साथ होता है, हर आम इंसान के साथ ऐसा होता है। तो आज का शो हम उन सेलिब्रिटीज़ के साथ करेंगे जिनकी माओं को भी हमने दावत दी है, और हम सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करेंगे बच्चों से माओं के लिए, और फिर माओं की भी बहुत सारी बातें बच्चे याद रखते हैं। जब माएँ एक सर्टेन एज पे पहुँच जाती हैं तो बच्चों को भी माओं की कुछ बातें याद होती हैं कि हम अम्मा ऐसे पिटाई करती थी, अम्मा हैंगर इस्तेमाल करती थी, अम्मा ने ये किया था, अम्मा ने वो किया था। कभी कभार अम्माएँ भी भूल जाती, अम्मा की अब्बा से लड़ाई इस बात पे हुई थी, हम इस बात पर पिटा करते थे। तो बहुत सारे सवाल होंगे बच्चों के लिए अम्माओं से, और अम्माओं के लिए बच्चों से। आज का एक बहुत क्यूट शो है, और आई नो कि जो माँ की कमी है ना वो क्या होती है, 2-2.5 साल से मैं महसूस कर रही हूँ, और मगर मुझे ऐसा लगता है कि वो गई नहीं, क्योंकि मैं हर वक्त जब भी मुश्किल में फंसती हूँ मैं उनको याद करती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल गए, और जब मैं उनकी उनके बारे में सोचती हूँ कि वो होती तो वो क्या कहती, बस मुझे लगता है कि मेरी सारी जो उलझन है उसको सुलझा दिया उस सोच ने, उस जवाब ने। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद याद ताज़ा करते हैं, है ना? अगर आपकी माएँ नहीं हैं तो उनकी याद ताज़ा करते हैं, और अगर आपकी माँ आपके साथ हैं तो आप बहुत खुश नसीब हैं।
आपकी छोटी छोटी प्यारी प्यारी मासूम मासूम बातों की यादें ताज़ा करते हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद सेलिब्रिटी विद देयर मदर्स। गुड मॉर्निंग, वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज आपकी मुलाकात हो रही है सेलिब्रिटीज़ और उनकी माओ से। सो हमारे पास कुछ दो सेलिब्रिटी ऐसे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जब भी मैं कभी किसी दावत में उनसे मिलती हूँ या अपने शो पे भी मिली हूँ, तो मैं बड़े मैंने उनको वेल मैनर्ड और बड़ा अच्छा पाया है। अपने फील्ड में, अपने क्राफ्ट में तो हैं ही अच्छे, लेकिन वैसे भी आदतन भी बड़े अच्छे लगते हैं। तो हमेशा आपका दिमाग नहीं जाता जब बच्चा अच्छा पला हो, तो क्रेडिट गोज़ टू देयर मदर्स। सो आज वो सेलिब्रिटीज़ अपनी माओ के साथ मेरे पास मौजूद हैं। अब जो मेल सेलिब्रिटी हैं उनके बारे में मैं बताना चाहूँगी कि आपने उनको देखा है असीरजादी में, हम सफ़र, मात, माहे तमाम, हसद, बेखुदी, ये ना थी हमारी किस्मत, बिखरे हैं हम, एक अनार दो बीमार, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। माशाल्लाह से बहुत सारे अच्छे ड्रामे आपने उनके देखे। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नूर हसन रिज़वी, अपनी मदर फरुख रिज़वी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, ठीक ठाक। गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच, खास तौर पे आपका, क्या आपने हमारी इनविटेशन कबूल की? फर्स्ट एवर टीवी अपीयरेंस अम्मी की। मैंने कहा अम्मी अब आपको मेरी लाइफस्टाइल पता चलेगा कि क्या होता है सेलिब्रिटी होना। सो एक माँ बेटे की जोड़ी ये हमारे पास, और जो मेरी दूसरी गेस्ट हैं उनको ज़्यादा अरसा नहीं हुआ शोबिज में, लेकिन क्योंकि उनकी उनका क्राफ्ट इतना अच्छा है, उनका उनको मतलब लाइक पता है कि डिसिप्लिन कैसे रखना है। सो वो माशाल्लाह से बहुत ही जल्दी बूम कर गई हैं और काफ़ी ड्रामों में आपको नज़र आ रही हैं। आपने उनको देखा फांस में, रूमी में, वो पागल सी में, और अभी आगे आंदा आने वाले दिनों में आप उनके काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखेंगे। आइए वेलकम करते हैं हिरा खान अपनी अम्मी सुरैया खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? मैं ठीक, अल्लाह का। अम्मा के भी फर्स्ट एवर टेलीविजन। आंटी हमारी दुनिया में खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, मैं इस काबिल समझा। अल्लाह नहीं भाई, आपने इतने प्यारे प्यारे बच्चे पैदा किए भाई। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार कहना चाहूंगा, बिकॉज बिगिनिंग में लेक्चरिंग मेरी शुरू होगी, पर मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लगी जब आप हम लोगों का इंट्रोडक्शन करी थी, आपने प्रोफेशन से ज्यादा हमारी पर्सनालिटीज पे जोर दिया। आई थिंक इवेंचुअली एट सम पॉइंट आपको रियलाइज होता है कि आप जिंदगी में जो भी करें ना, आपकी पर्सनालिटी शुड शाइन। एंड आई एम सो ग्लैड कि हमारी जितनी भी मुलाकात होती है आपको, मेरी हम नॉर्मली बात भी काम की तो मेरी नदा की होती नहीं, मोस्टली वी टॉक अबाउट वर्क एंड लाइफ एंड कैसे मैनेजमेंट और डे कैसे। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो वो एक्चुअली देखिए, काम तो ऑडियंस देख रहे होते हैं, लेकिन जो कलीग्स होते हैं वो आपका आपका बिहेवियर और सब चीज़ें देखते हैं, और फिर इस तरह दिल में घर करता है एक दूसरे के मन में, वो वाली चीज़ है। सो हम लोग जो है ना, आज माओ से करेंगे बच्चों के लिए सवाल जवाब। मैंने हिराक को तो इंटरव्यू किया है और मैंने नूर को भी किया है, लेकिन जो जवाब मुझे माओ से मिलेंगे ना इनके बारे में, अल्लाह मियां से बस। आई एम विद यू या तो हम अपने आंखें कान दोनों बंद करें। अच्छा, इससे पहले कि मैं तुम लोगों के सवाल करूँ, तुम लोगों के लिए तुम्हारी अम्माओं से, मुझे अपनी अम्माओं के बारे में बताओ। हिरा की अम्मी जो है उनकी कैसी पर्सनैलिटी है? सख्त वाली अम्मा है, नरम वाली अम्मा है, दोस्त वाली अम्मा है, कौन सी वाली अम्मा, शेड्स क्या है तुम्हारी अम्मा? So, मेरी अम्मा को मैं कहती हूँ बब्बर शेर, ठीक है। और ये है क्योंकि इनकी शी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बट एट द सेम टाइम आई थिंक शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, और कोई है ही नहीं ना इस दुनिया में। इनका ये वाला सीन है कि बिल्कुल छोटे होते हुए शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, और तब मैं सोचती थी कि क्यों क्या मतलब, लेकिन बहुत अच्छा किया, सख्ती की, हमें अब समझ आती है कि क्यों की। बड़े जैसे जैसे हम लोग बड़े हो रहे थे, वक्त की ज़रूरत थी, तो यू नो सब सब बहन भाइयों के साथ शी बिकेम आवर बेस्ट फ्रेंड। सो कितने बहन भाई? हम चार हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, तो मेरे साथ तो बचपन से वो एक वो वाला बॉन्ड है ना कि दोस्ती होती है। बेस्टी है मेरे। अच्छा, कहते हैं कि माएँ जो हैं वो ज़्यादा करीब होती हैं बेटों के, और बाप ज़्यादा करीब होते हैं बेटियों के। True. So, अब मुझे नूर बताएंगे अपनी अम्मी की पर्सनालिटी के बारे में। अम्मी तो मेरी बहुत ही स्पेशल फ्रेंड है। मुझे अम्मी की एग्जैक्टली जो उन्होंने बताया शुरू में, बहुत सख्ती, यू नेम एन औजार और अ टूल जिसे मैं मारे नहीं पड़ी,
और अब हम लोग हंस रहे होते हैं, वी टॉक और हंसते हैं, कुछ छोड़ा था मतलब जो हाथ में आता था उसे मारे, बट एकदम से जैसे हम लोग बड़े हुए एकदम से सडन शिफ्ट. अम्मी की जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है वो ये लगती है अडैप्टेबिलिटी. हम शुरू से इस्लामाबाद में रहे हैं, अब जब हम लोग अम्मी अभी रिसेंटली 2 years बैक मेरे साथ कराची मूव हुई है, सो नॉर्मली मुझे जब मैं अपने दोस्तों के घर जाता हूँ मुझे पेरेंट्स में वो अडैप्टेबिलिटी नजर नहीं आती. हेलो हाय अस्सलाम अलैकुम, फिर बच्चे अलग पेरेंट्स अपना अलग, बट अम्मी उनके साथ बैठती हैं उनसे दोस्ती करती हैं. अम्मी आपके दोस्तों में भी मिंगल कर जाती हैं. माय दोस्तों का बेस्ट फ्रेंड. कितने दफा मुझे कॉल आता है नूर तुम किधर हो जी शूट पे, वो हम आए आंटी के साथ, आंटी के हाथ के पराठे और ब्रेकफास्ट कर रहे थे. Wow, okay, I thought you were my friends. Bilki mummy ko kehta hu, you steal all my friends. Allah. So they become Ammi's best friends. Oh, wow. Uske alawa ye ki waise jaise jaise main spiritual, Ammi is very religious, mashallah, very spiritual. So mujhe Ammi se bahut us tarah ki inspiration milti hai ki kahin pe bhi mujhe koi aisa problem ho jahan pe mujhe apne spirit ki baat karni ho, apne elements ki baat karni ho, life and philosophy. She's a Reiki master, she's a neuro-linguistic programmer, reflexology, pata nahi kya ki mujhe to bhool bhi jata. She does all of that. So mere chakras bhi align karti hain, ammi meri energy bhi align karti hain. So we watch TV together, koi naya show aa raha hota hai, like she is horror shows. Mera koi dost horror show nahi dekhta apart from my mother. Badminton khelne, anything. So I like the fact that she's part of my life. Aur acha hamesha se अब ज़्यादा, I think she thinks के बच्चों को साथ रखने के लिए अपने आप को भी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, and then she does. अच्छा full techno mama है आपकी? Full techno, computer, computer, phone, chon, कुछ भी करना है. Same, same. Good. Imagine, I'll tell you. मैंने ना इनको अपने close friends में नहीं डाला Instagram stories पे. तो ना मेरी बहन ने कॉल करके कहा मामा आज आपने, मैंने क्लोज फ्रेंड्स पे लगाया कि मामा ने मेरे लिए साग पराठा और ये वो बनाया हुआ. सो बहन ने कहा आपने हीरा के लिए खाना बनाया. मामा कितनी ये स्टोरी तुमने कब लगाई? ये मैं सर्च करती रही मुझे नजर ना आए स्टोरी पे. नहीं नजर ना आए. मैंने कहा वो मेरे क्लोज फ्रेंड्स पे. मैं तुम्हारी क्लोज फ्रेंड नहीं हूँ. सॉरी. अच्छा ठीक है मैं आपको डाल देती हूँ क्लोज फ्रेंड्स में. तो इंस्टाग्राम यूट्यूब हर चीज मुझे लिंक्स भेज रही होती हूँ जो लोगों ने यूट्यूब की वीडियोस ही, मैंने ये तुम्हारा क्या आ रहा है वो. सो ये थोड़ा मसला हो गया ना आपके. हमें लगता है कि सब पता चल जाता है अम्मा को. मेरा यही ख्याल है कि मैं सब माओ को यही कहती हूँ कि हमें अपने बच्चों जैसे हमारे जैसे जैसे हमारे बच्चे ग्रूम करते हैं. आपको पता है हमारे माशरे में क्या होता है कि माएँ इतनी बिजी हो जाती हैं बच्चों की ब्रॉटअप करने में और ये सारा कुछ के वो अपने आप को भूल जाती हैं. और जब बच्चे आगे निकल जाते हैं तो होता क्या कि उनको अपनी माएँ बहुत ऐसे लगती है अच्छा इन्हें तो कुछ पता ही नहीं. पुराने ज़माने के आपको क्या पता. मैं सब माओ को यही कहती हूँ कि आप बच्चों को ग्रूम करने के साथ साथ उनको सिखाने के साथ साथ आप भी अपने आप को ग्रूम करें, अपने आप को जमाने के साथ साथ अपडेट करें ताकि कल को आपके बच्चे मतलब एक प्राउड फील करें कि हाँ जी. वरना ये ना कि अच्छा चलो अम्मी को तो या कभी कभार जनरेशन गैप ऐसा आ जाता है कि आप अपनी माँ के साथ गुफ्तगू ही नहीं कर सकते. exactly. आप पढ़ जाते हैं ज्यादा. और पुराने जमाने में ऐसा होता था कि माएँ इतनी ज्यादा पढ़ी हुई नहीं होती थी. लेकिन फिर उसके बाद जब लाइक आपकी जनरेशन आई तो फिर माएँ भी पढ़ती हैं. और अब आप उनसे बैठ के लाइक मेरे बच्चे मुझसे बैठ के फिल्मों के बारे में हर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हैं. एक और भी बात होती है मेरे मियाँ कहते हैं निदा जवानी में बच्चे कर लेंगे ना तो हम भी जवान होंगे बच्चे भी जवान. तो आप लोगों का तो वही सीन है ना बच्चे भी जवान आप भी जवान. तो ये सही है. बिल्कुल ये सही फॉर्मूला है. बिल्कुल है ना. मेरी अम्मा को देखे हम बहने लगती हैं हम दोनों. मैं वही कह रही थी. और क्या एक बात निदा जो हमेशा मैं सबसे कहती हूँ आप बच्चों को कुछ भी बनाओ डॉक्टर बनाओ पायलट बनाओ कुछ भी बनाओ लेकिन उन्हें एक अच्छा इंसान पहले बिल्कुल, बनाओ बिल्कुल. सबसे पहले तो यही काम सबसे पहले अच्छा इंसान होता और स्पेशली बेटों को. बेटों की जिम्मेदारी बहुत जरूरी है क्योंकि दूसरी जो होती है वो भी बेटी है. हम लोग हमारी बेटियां दूसरे घरों में जाएंगी तो हम इनके साथ नहीं दिल चाहता कि कोई ऐसा मिसबिहेव करे. बिल्कुल. तो जो आने वाली है वही फीलिंग हमें उसके लिए होनी चाहिए. तो बेटे को आपने ज्यादा इस चीज के लिए जरूरी है. और ये बात सिर्फ शादी तक ही नहीं रह जाती कि जो बीवी घर आएगी आप कॉलीग्स के साथ काम कर रहे हैं आप बैंकर हैं आप आर्मी में हैं आपका खवातीन से आजकल के जमाने में तो वुमेन आर आल्सो वर्किंग. सो वो हर मरहले में आपको रियलाइज. आई स्टिल रिमेम्बर आपकी वाली बात से मुझे याद है कि आई स्टिल रिमेम्बर जब हम छोटे थे एक दफ़ा हमारे घर एक काम करने वाली आती थी रुकैया बाजी. उनको मैंने पता नहीं हम लोग छोटे थे कि ओ पता काम करने वाली जरा इधर आए. अम्मी ने जो हिम्मत कैसी हुई काम करने वाली बाजी का रिस्पेक्ट करो तुम्हारे कोई एहसान नहीं करी मतलब समझ में. मुझे आज तक वो बात याद आती है कि अम्मी ने बचपन से हमें टोका था ना कि रिस्पेक्ट. नाउ व्हेयरएवर आई गो इन लाइफ यू हैव सीन मी अराउंड टू एवरीबॉडी सेज कि रिस्पेक्ट का एलिमेंट
क्योंकि मैं इधर काम करती हूँ, मुझे यहाँ का पता है, मुझे हर जगह का तो नहीं पता कि कोई मेडिकल फील्ड में क्या है, तो वो ही वाली बात है. अगर माँ रिस्पेक्ट दिलाती है औरत के लिए तो वो फिर आपको नजर आता है. चलिए अब आप लोग रेडी हो जाए, आपके बच्चों के सवाल होने वाले हैं. हाँ भाई, यहाँ पे भी बिग बॉस बैठे हुए जी. क्या सवाल है पहला? पैदा होने के बाद गोद में लेते ही पहला क्या ख्याल आया था? ओके भाई, पैदा ये याद है आप लोगों को, ये पैदा होते ही जब ये आपके घर में आए. अच्छा वैसे टोटल कितने बच्चे हैं आप लोग? हम तीन बहन भाई. तीन बहन भाई, एक बड़ा भाई एक छोटी बहन. अच्छा तो आपको याद है कि इनको जब आपने पहली दफा गोद में लिया था शक्ल देखी थी? सबका याद है. किस पे गए हैं, क्या है, क्या ख्याल आया था दिमाग में? ये तो इसको जब मैंने अपनी गोद में लिया तो मेरे फादर भी खड़े थे साथ और मेरी मदर भी थी. तो मैं इसको अक्सर ये जुमला कहती भी हूँ कि आपको नाना अबू ने कहा था कि इतना प्यारा बच्चा मैंने आज तक नहीं देखा. हाय हाय, गुप्लू था ये, प्यारा गुप्लू गुप्लू प्यार भी माशाल्लाह प्यारा तो अभी भी है. तो नहीं, बचपन में भी ऐसे गोल गोल गाल बच्चों के जैसे होते हैं. हाँ, बात इतना हेल्दी नहीं था लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छे थे और बहुत मतलब अच्छा मुझे लगा. प्यारा बच्चा पैदा हुआ कि अल्लाह का शुक्र भी किया क्योंकि इससे बड़ा मेरा बेटा भी था. अच्छा, तो वो मैंने अल्लाह का शुक्र किया बहुत ज्यादा कि अल्लाह ताला तूने मुझे इस नेमत से नवाजा है. जाहिर है कि तो अल्लाह का शुक्र है बहुत. अच्छा पता है आपको, जब मेरा तो पहला बेटा पैदा हुआ ना तो वो उसको बेचारी को थोड़ी स्वेलिंग हुई हुई थी फेस पे. हाँ, तो सब आके कह रहे बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा. कुछ 10 घंटे बाद उसके पैदा होने के मैं और मेरे मियाँ अकेले कमरे में बैठे हुए, हम कह रहे हैं यार ये प्यारा तो नहीं लग रहा. बेचारी की आंखें स्वेलिंग की वजह से ना, नाक फूली हुई इतनी आंखें से, अब तो प्यारा है. लेकिन उस वक्त हम कह रहे हैं यार लोग कितना झूठ बोल रहे हैं. नहीं, सही फीचर्स तकरीबन निकल के आते हैं कि स्वेल हुआ हुआ था, कंट्रोल किट लेकर आओ जरा बेटा, हल्का सा इसको देखो, भी लोग देखने के लिए आएंगे, थोड़ा सा स्कर्ट कर दो. चाइनीज टाइप बच्चा लग रहा था. तो मैंने और मेरे मियां ने कहा यार असल हकीकत ये कि ये प्यारा नहीं है, लोग हमारा दिल रखने के लिए. फिर बेचारा जब उसकी स्वेलिंग उतरी तो शक्ल उसकी निकली. सो वो वाली चीज है कि कभी कभार ऐसा होता है. आप बताएं भाई, आपको याद है जी हेरा जी अब आपकी गोद में आई थी? मैंने फर्स्ट टाइम जब इसे गोद में लिया है तो सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि माँ बनने की जो फीलिंग होती है, पहली बच्ची और पहले बच्चे का तो होता है. और मेरे ससुराल में भी ये बड़ा प्रेशर था. अच्छा, कि बेटी बेटा वाली नहीं, नहीं नहीं बेटा बेटी वाला नहीं है कि बच्चा हो, उनको ये कि जल्दी होना चाहिए. अच्छा, जो मेरे ससुराल में भी. तो मैंने शुक्र अल्लाह ताला का अदा किया और मुझे ये था कि मेरे बच्चे जो हैं मैं इंशाल्लाह इसको डॉक्टर बनाऊंगी. अच्छा, आपने ये मुझे ये पहले बताया मैं लगी कैसी, मैं लगी थी पहले पैदा होते ही आपने सोचा मैं इसको डॉक्टर बनाऊंगी? मुझे बड़ी प्यारी जाहिर है बच्चा है अपना, मैंने वही तो कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्यारी थी, बड़ी बहुत वीक सी थी, नाजुक नाजुक थी जैसे बच्चियां होती हैं जैसे आप हैं. ये तो ये नाजुक है लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग है मुझे ऐसा लगता है. हाँ, नहीं नहीं स्ट्रॉन्ग है, पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह. अच्छा, शुरू से इसे है कि मैं मोटी ना हो जाऊं, मैं ये ना खाऊं वो ना, पानी पीने में उसमें. और एक इसके होते थे स्कूल शूज, स्कूल शूज थे. अच्छा, उसने कहना वो स्टेप होते थे तो मामा जरा टाइट बंद करो, मामा जरा टाइट करो. अब मैंने करना और टाइट करो और टाइट करो, वो इतना मैंने किया मैं तंग आ जाती थी स्कूल शूज, वो टूट गए. तो क्यों टाइट करवाती थी? शौक था, इसको आदत थी. अच्छा, बेल्ट होती थी बैक पे तो मामा जरा टाइट करो, थोड़ी और टाइट करो. तो मेरे के बेटा इससे ज्यादा टाइट नहीं होगी. पतली पे प्यारी सी लग. आप लोगों के घर में खूब पराठे और मक्खन वाली? हाँ वो है, वो चलता है, वो मैं खूब. हम सब की ऐसी स्टोरी में हेरा रिलैक्स. दूसरे सवाल की तरफ. पैदाइश के बाद करीबी रिश्तेदारों ने सबसे ज्यादा किस में मिलाया था? बच्चे के पैदा होने के बाद तो ये होता है ना कि बिल्कुल जैसे आपने कहा कि नाना ने देखा तो नाना ने कहा बड़ा प्यारा बच्चा. पर करीबी रिश्तेदारों ने किससे मिलाया नूर को कि किस पे शक्ल गई है? जो इसके दध्याल वाले थे उनको जी ये अपने पापा जैसा है. जो मेरे थे सारे तो वो कहते हैं ये बिल्कुल फर्रुख की तरह है ना. तो वो बस इस तरह हर कोई अपने हिसाब से मिला रहे. बच्चा प्यारा पैदा होता है ना तो यही होता है. हमारे पे गया, ननिहाल पे गया और जरा सा बच्चे का रंग वंग थोड़ा कम हो तो
हाँ ऑपोजिट तरफ भेज देता है, ये चीज होती है। तो सब अपनी अपनी सब ने दोनों ने उस वक्त अपने साइड अपने साइड, अब तो सब यही है कि अब तो मुझे तो आपकी नाक और इनकी नाक सेम लग रही है बिल्कुल, तो सब इसको यही कहते हैं। अब जब मैं बड़ा हूँ तो सारे ये कहते हैं कि मैं अम्मा पे। और यहाँ पे क्या सीन था? हीरा जब पैदा हुई है तो ये अपने बाप पे थी। अच्छा, सबने यही कहा? सबने यही कहा जी, हीरा अपने बाप पे गई है, फेस कट भी ऐसा है, मतलब सब तकरीबन एक बेटी है मेरे पे, बाकी सब अब्बू जी जी अब्बू पे। हाय हाय हाय, मेरा भी एक ही बच्चा मेरे ऊपर गया, बाकी सब अब्बू। मेरा तो बच्चा पैदा हो तो डॉक्टर ने कहा क्या तुम 9 महीने यासर को ही देखती रही हो? एग्जैक्ट छोटा यासर पैदा होते कोई डॉक्टर नहीं बोलती, हालांकि वो इतना सूझा हुआ भी था फिर भी। अगला सवाल भाई, इतनी देर तो मैं भी नहीं करती सवालों में। नाम रखते वक्त कौन कौन से नाम जेरे बहस रहे? ओह, ये भी बड़ा एक वो होता है ना कि नाम रख रहे हैं, ननियाल वाले कह रहे हैं ये रखो, ददियाल वाले ये कह रहे हैं, सो क्या नाम जो असल में ऐसा था कि थोड़ी सी एक स्टोरी है। अच्छा। कि जो इससे मेरा बड़ा वाला बेटा था ना, हाँ। उसका नाम अली रजा है ना। अच्छा। तो वो मैंने शादी से पहले से ही सोचा हुआ था कि जो मेरा बेटा होगा उसका नाम अली रजा रखूंगा। ओके। लेकिन मुझे ससुराल से प्रेशर था, मेरे ससुर क्योंकि मैं यहाँ नहीं थी, मैं लिबिया अच्छा। में थी, तो वो बार बार आ रहा था कि भाई ये रख लो ये रख लो ये रख लो, तो मुझे मैं ना थोड़ी सी अड़ी रही कि नहीं नहीं ये मैंने अली रजा ही रखना है। अच्छा वो चलो सब मान गए। अच्छा माशाल्लाह जब ये पैदा हुआ तो अब मैंने सोचा कि अब जरा मैं उनको भी खुश कर दूं। मैं दान था, मी का सैक्रिफाइस था अपने ससुराल के लिए कि चलें जी आएं। मैंने बड़ी फयाजी से अपने ससुर से कहा, इसके दादा से, मैंने कहा अब्बा आप इसका नाम रखें, आप बताएं इसका नाम क्या है। तो वो उन्होंने 2-3 नाम बताए। तो मेरा जो बेसिकली नाम है वो मेरे परदादा का नाम भी है। सो मेरे दादा ने अपने वालिद के ऊपर उनका नाम भी, उनका नाम बेसिकली नूरुल हसन था। सो एनीवे जब वो मेरी बारी आई तो उन्होंने फिर मेरा नाम भी वही रखा। सो टेक्निकली मैं अपना ही ग्रेट ग्रैंडफादर हूं। तो खुश हो गए। अरे वाह, आपको पता है हमारे फैमिली में ट्रेडिशन है, जैसे यासिर जो उनके फादर है फरीद नवाज बलोच, और मेरे सबसे बड़े बेटे का नाम भी फरीद नवाज, और ये यासिर का एक्चुअल नाम खान मोहम्मद है उसके दादा के नाम पे, वो बलोच है ना, उनका ट्रेडिशन है। जब उस वक्त जब मेरा बेटा पैदा हुआ और फरीद नवाज बलोच रखा, तो उस वक्त जो है ना वो नाम इतना इन नहीं था ना, मतलब क्योंकि वो सारे पुराने लोगों का नाम होता था, कोई ड्राइवर है कोई फलाना है, तो मुझे बड़ा वो हुआ कि अल्लाह मेरे बेटे का नाम फरीद, पहला बच्चा। लेकिन अब मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि पूरी क्लास में पूरी दुनिया में कोई वही होता है एक फरीद, अब वो ट्रेंड नहीं था, तो बड़ा मुझे मैनली नाम लगता है। हाँ भाई यहाँ बताएं कहानी क्या है। हीरा का नाम मिलके रखा हम दोनों ने। अच्छा। इसके अब्बा ने और मैंने। अच्छा। तो मुझे ये होता था, हम सबसे पहले निकलवाते थे कि फाल से निकलवाते थे, अल्फाबेटिक जो होते हैं। अच्छा अच्छा। कि बच्चे के लिए किस वर्ड से आप नाम उनके लिए अच्छा रहेगा। जी जी अच्छा रहेगा। तो इसके लिए एच निकला। हाँ जी, एक एच निकला, एम निकला, 3-4 थे। अच्छा। तो फिर डिसाइड हुआ कि हीरा रखते हैं, तो मैंने कहा हीरा का मतलब क्या है पहले हमें ये देखना चाहिए। तो फिर ये था कि गारे हिरा पाक जगह बिल्कुल, तो वो फिर हमने फिर डिसाइड कर लिया। अच्छा होता है ना नाम का असर होता है, तो नाम का इस पे अच्छा असर पड़ा, बहुत असर होता है। है ना जी, कभी कभार कुछ हमारे यहाँ होता है बच्चे कोई बीमार रहते हैं तो फिर उनका नाम बीच में ही चेंज कर दो। मेरी छोटी बहन के साथ ही ऐसा हुआ था, है ना, सही है ना, इसके लिए छोटी बहन के साथ यही। मेरी एक बेटी है मेरी, तो वो मैंने उसके 3 दफा नाम चेंज किया। और अच्छा उन दिनों वो जब पैदा हुई तो हीरा नाम, बाकी मुझे हीरा नाम बहुत पसंद था, और मैंने कहा मैं इसका नाम हीरा रखूंगी। या उन दिनों वो ड्रामे ऐसे आ रहे थे जिनमें सिद्रा नाम चल रहा था, तो इसके पापा ने कहा कि नहीं हीरा नहीं, अच्छा अच्छा मैंने कहा जो मैं सिद्रा रख लिया ना। तो 10 महीने के बाद कुछ मुझे किसी ने कहा कि नहीं नहीं वो थोड़ा सा ऐसा था, वो गुस्सा करती थी, तो सबने कहा नहीं भाई ये नाम इसको सूट नहीं कर रहा, फे से नाम रख लो, फरवा रख दिया उसका नाम। फिर वो ये हुआ कि वो अक्सर बीमार रहती थी ये, फिर किसी ने कहा कि नहीं इसको ये नहीं इसका ये इससे नाम रख दो, फिर मशवरे के बाद समाना रखा गया उसका, समाना बतूल। सो नाउ फ्रेंड्स कॉल हर समाना, हम उसको फरवा बोले, सिद्रा को नहीं बुलाता। अब जब उसकी शादी का कार्ड हमने दिया ना तो उसमें समाना बतूल नाम लिखा, तो सब कहे ये आपकी कौन सी बेटी ये मुझे पता कौन, वो मुझे सब यही कहे कि तुम्हारी एक ही बेटी है, तुमने मुख्तलिफ नाम रख के ना अपना शौक पूरा किया। एक ही बेटी है ना। एक जमाने में तनहैया हिट था ड्रामा, तो वो मेरे जो हैदराबाद के करीब एक गाँव है उसमें यासिर के कुछ जानने वाले रहते थे, उनके यहाँ ट्रेंड था जो ड्रामा हिट है ना उन्होंने, अब उन्होंने जारा और सनिया तो रख दिया नाम, अब बेटा पैदा हुआ तो उसका नाम सोचे क्या रख।
कबाचा. Is that a real story? Yes, कसम से. तो यहाँ से इन लोगों ने जाके वो मतलब लाइक वो थे ऐसे कि होता है ना दूर के रिश्तेदार दूर के मिलने वाले. तो फिर मेरे ससुर ने उनको जाके बताया कबाचा कोई काम नाम नहीं है, उसका निक नेम था कबाचा कुतुबुद्दीन नाम था. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान सेलिब्रिटीज अपनी माओ के साथ. वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज सेलिब्रिटीज अपनी अम्मियों के साथ और वो कहते हैं ना अनसेंसर्ड अम्माएं अपनी मासूमियत पे सारी छोटी छोटी बातें ये भी बता देती है. इसकी नाक बहुत बहती थी बचपन में, ये रातों का बहुत बिस्तर गीला किया, ये सारी राज जान जाते हैं हम. सो आइए चलते हैं. इनके जहन में आइडिया बड़ी तेज है निदा. वैसे अगर आइडियाज नहीं भी होंगे उनको बता दें इन लाइंस में सोचना शुरू कर दें. निदा आई थॉट यू वर माय फ्रेंड नॉट माय मदर्स फ्रेंड. ये प्रॉब्लम है मेरी सारी अम्मी की साइड पे. अब इन बच्चों के दौर में तो पैंपर्स आ गए थे इसलिए वो सोच खत्म हो गई. नो ब्रांड नेम्स. हाय बात सुने मैं बड़ी उल्लू बनी हूँ यकीन माने. मुझे मेरे पहला बच्चा होने से पहले ये बताया गया नहीं नहीं पैंपर जो है ना वो रैशेस कर देंगे, डायपर्स रैशेस कर देंगे, तो जो है ना वो लंगोट बांधते हैं फलाना. मैंने पहले वाले में इतनी मुसीबत सही है, सिर्फ मैं उसी की होके रह गई थी हर वक्त लंगोटी. फिर मैंने दूसरे बच्चे में कहा मॉडर्न जमाना है, मैं नहीं सुनूंगी किसी पुराने बंदे की. नहीं जो बुजुर्ग औरतें हैं वो यही कहती हैं कि भाई नहीं नहीं बहुत बुरी बात है, ये हो जाता है वो हो जाता है. उल्ली उल्लू बनता है जब आपकी यंग एज में शादी हो जाती है. तो मैं तो फिर दूसरे वाले में मैंने कहा नहीं डायपर्स इस्तेमाल होंगे, जिंदगी सुकून में आ जाएगी बच्चे की भी और अपनी भी. अपनी भी सीरियसली. अगला सवाल क्या है जी, आइए जी. खाना पीना शुरू किया तो सबसे पहले क्या खिलाया था? ओ वाओ, आप लोगों को याद है? पहले आलू वगैरह बॉईल करके मैश करके रिलैक्स बनाना शुरू किया. नहीं नहीं घुट्टी के बाद पहला पहला दूध के बाद खाना खाना जो कितना क्यूट सवाल है. वैसे ही कभी तुम लोग अकेले आते हैं तुम लोगों से कभी कभी ना पूछते दुनिया में कभी नहीं है. अम्माओं को याद, आपको याद है कि हीरा पहला बच्चा? मैं हीरा को वेजिटेबल सारी मिक्स जब इसने 6 मंथ की थी जब से खाना यखनी थोड़ी सी, वो डॉक्टर कहते थे कि इसको टेस्ट का पता चले बच्चे को, तो वो एक सूप जरा सा और बिल्कुल हल्का सा लगाना था कि बच्चा जरा खा रहा है. फिर मैं जो देती थी सेरेलैक और उसके बाद इसको थोड़ा सा घी डाल के सारी वेजिटेबल को वो करके मैश करके. अच्छा, तो वो बड़ा हेल्दी था. हाँ, ये बड़ा मजे का. मुझे किसी ने बड़ा अच्छा ट्रिप बताया था कि वो जो मुर्गी के पंजे होते हैं ना उनकी यखनी बना के फ्रीजर में क्यूब्स बना के रख दो और जब बच्चे के लिए खिचड़ी बनाओ वो क्यूब जी उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. और सूप में भी इस्तेमाल करते हैं. सूप में भी है. ये तो है. अगला सवाल बताए भाई. बच्चा बोले भाई कौन है बिग बॉस? बच्चा जब पहली बार बीमार हुआ तो क्या आपको याद है कि वो क्या बीमारी थी या क्या होता है ना कभी पेट खराब हो जाता है बच्चों का, बुखार हो जाता है तेज. बस वो तो आपको पता है चलता ही रहता है बच्चों का, इसलिए कोई प्रॉपर याद नहीं है कि अच्छा पहली दफा कैसे क्या हुआ. वो तो चलते रहते हैं बच्चे कभी फ्लू हो गया. बच्चा तो नहीं होता एग्जैक्ट आपके अम्मी को इसलिए याद है पहली पहली बच्ची. मेरा भी पहला बच्चा जो था उसको शदीद वाला बुखार हुआ था और पहली दफा वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था शायद 10 महीने का था. और हमें पता नहीं था ना, हम दो से और कपड़े पहना रहे मोजे पहना रहे. तो जो मेरा डॉक्टर देवर था उसने कहा इतने बुखार में इतना सब नहीं पहनाते और फीवर चढ़ा. ये कि जब इसकी फर्स्ट बर्थडे थी उस वक्त ये बहुत बीमार था बहुत ज्यादा. किसकी सर्दी वर्दी लग गई? हाँ इसको बहुत ज्यादा इसको ये टेम्परेचर था, फ्लू हुआ हुआ था बहुत ज्यादा, कंजेशन हुआ हुआ था इसको. तो वो उससे अब मुझे जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो मैं ये कहती थी तुम लोग ना बीमार हो मैं हो जाऊं क्योंकि बच्चों को सारी करना इतना होता है जी बहम आना शुरू हो जाता है, खुद ही रोना आना शुरू हो जाता है. तो वो बस ये होता था हॉस्पिटल वगैरह में तो एडमिट नहीं हुए कभी. नहीं नहीं ये ऐसे कभी नहीं हुआ. अभी जो इनकी टांग में हुआ था वो तो बहुत वो टॉन्सिल अभी बचपन में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन जब ये 6 ईयर का था इसका टॉन्सिलाइटिस ऑपरेशन हुआ था. ओके. और ये बड़ा साबिर बच्चा था. ये तो मैं कहती हूं आई ट्रेन माय मदर वेल. कुछ बच्चे ये बहुत साबिर है इसमें कोई वो नहीं. ये बहुत मैं अक्सर ये मेरा बड़ा वाला बेटा वो बुखार हो रहा है बोल रहा है ये चुप करके लेटा रहता है चुप करके. उसका जब इसका ऑपरेशन हुआ था तो हमारे साथ वाले बेड पे एक बच्चा था वो 12 इयर्स का था. उसने इतना शोर मचाया था कि इसको तो छोड़ ये बेचारा वो बल्कि वो कहे इसको कि देखो इस बच्चे को देखो ये बच्चा कुछ कोई शोर नहीं कर रहा. मतलब मुझे वो टाइम इसका अब याद आता तो मुझे बल्कि तरस आता है कि इतने मतलब कोई इसने शोर नहीं कोई कुछ नहीं. शदीद ऑपरेशन था इसका.
लेकिन माशाल्लाह ग्लैंड्स को नाक के पीछे से भी निकले टॉन्सिल्स में क्रेजी, लेकिन ये माशाल्लाह शुरू से ही ना साबिर। आपको याद है हिरा? हिरा का कोई इतना खास तो नहीं, लेकिन जब भी होता है इसका गला खराब होता है। फिर मैंने अपने काम करने और फिर बार बार देखना कि उठी तो नहीं अभी उठी तो नहीं, और किसी को रूम में नहीं जाने देना कि सो रही है उठे ना, तो जब इन्होंने सोना होता था फिर मैं उठ के अपने काम करती तो मैंने ऐसे बच्चों को। आपकी खुद की नींद कैसे पूरी होती थी? मैं मेरी बस रात को नींद में पूरी ले लेती थी ना, या अम्मी की तरफ जाके नींद पूरी कर ये। अम्मी अम्मी को मैंने इनको पकड़ाना, छोटी सिस्टर उसको कि मैं अब जरा ना एक हफ्ते की मेरी नींद डिस्टर्ब है ये मैं पूरी कर लूं, लेकिन बच्चों को नहीं मैंने ना। और अच्छा, इनको रोने की आदत नहीं थी। अच्छा, आप रोने नहीं देती? बिल्कुल नहीं रोने देती थी। मुझे पता होता था इसने किस टाइम क्या, मैंने इनके टाइमिंग रखे के दूध पीने के खाने के। और रात को ये होता था कि मैं इनको अर्ली नहीं सोने देती थी, जब मैंने सोना है तो मैं उस वक्त सोने। अच्छा आइडिया है ना। तो उसका ये मुझे फायदा होता था कि मैं सुबह फजर के वक्त उठना होता था तो फिर बच्चे को फीड करा के फिर मैंने अगर 12 बजे उठना तो उन्होंने 12 बजे ही उठना। ये अपने हिसाब से ट्यून किया। मैंने इस हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा किया था तो मुझे इन्होंने तंग नहीं किया परेशान नहीं किया। वैसे जिद्दी थी, शरारती भी थी। अभी कुछ आई एम ग्लैड जी आंटी, आंटी मैं सुन रहा हूं। इतनी जिद्दी थी कि बस फिर। अच्छा ओए ओए, आइए भाई अगला सवाल क्या है बिग बॉस। बचपन में अम्मी बच्चों के बड़े होने के बाद क्या बनने की ख्वाहिश जाहिर किया करती थी? चले भाई, ये तो हर माँ सोचती बड़े होकर क्या बनेगा। नूर, सोचा था आपने क्या ख्वाहिश थी कोई? ये बहुत जीनियस था। हां है माशाल्लाह। बचपन से मतलब मुझे ये होता था कि मैं लेकिन मुझे था कि मैं इसे बैंकर बनाऊंगी। अच्छा, क्यों? मैं कहती इतना है कि मैथ में अच्छा था, अकाउंट्स में मतलब अच्छा, पढ़ाई में भी अच्छा था, वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट हर चीज में। और मतलब वैसे आर्टिस्ट टाइप भी वो तो था ये, इसको तो इसकी छोटी छोटी एक दो चीजें थी, तो जब ये करता था मैं कहती थी खालिद अनम साहब, शरियार जैदी साहब, हम पता नहीं कहाँ से शुरू करते हैं, बड़े नवाब से ब्लैक एंड व्हाइट उस वक्त के गाने। 6-7 साल का बच्चा उसे क्या होता है, थोड़ा सा और बड़ा हुआ मैं पहले 8 तो वो फिर एआर रहमान का दौर आ गया। हाँ। तो फिर ये तो उसका फैन। तो फिर आपका माशाल्लाह बैंकर वाला आइडिया आपका रहा कि नहीं? नहीं, वो मुझे फिर था कि चलो ये साथ साथ चल रहा है, ये बैंकर बनेगा, लेकिन जब बड़ा हुआ ना तो अभी बन के दिखाए ना ड्रामो में कितनी दफा बैंकर डॉक्टर जो जो आपकी ख्वाहिश थी हर ख्वाहिश पूरी की होगी। पुलिस वाला वो बड़ा बेटा था उसको मैं सोचती थी आईटी में जाए, लेकिन वो बैंकर बन गया। अच्छा, सही ख्वाहिश तो पूरी हो गई, कोई मसला नहीं। आप क्या सोचती थी? सोचते तो बहुत कुछ थे, लेकिन ये नहीं सोचते थे इंटेलिजेंट थी। अच्छा, इसको सबसे ज्यादा और इसको सबको बर्थडे बहुत याद होती। अच्छा, सबको बर्थडे। एक दफा इसने अपने मामू को विश किया, उनकी वेडिंग एनिवर्सरी थी, आपको आपकी याद, वो कहते मुझे याद नहीं है, आपको कैसे याद। 6-7 साल की बहुत शांत थी बचपन से ही ना। तो सबकी जब ये इसने कहा कि मुझे इस फील्ड में जाना है, तो आपने कितने ज्यादा रोड़े अटकाए या साथ दिया? नहीं, मैंने अब सच बताने आपको मदर को तो साथ देना पड़ता है ना बच्चे को, फैमिली में कुछ लोगों में। शुरू में शी वॉज वेरी स्केर्ड बट शी नेवर नेचुरली बट शी नेवर लाइक स्टॉप्ड अस। हम अब माई ब्रदर ही वो मेरे भाई जो है वो आईटी में होते हैं, बट फॉर मी व्हेन आई टोल्ड मामा कि अच्छा मैं करने जा रही हूँ प्ले ये वो,
तो शी वॉज लाइक अच्छा बेटा देख लेना. और मैं लाहौर में जब काम करी थी तो मैंने अपने सेट पे लेके जाती थी. हाँ. मैंने कहा आप आए आप देखें ताकि आपको भी, क्योंकि एक बबल तो बना हुआ है ना मीडिया का. हाँ. तो फिर जब इन्होंने देखा कुछ देर वहाँ बैठी, इन्होंने कहा बेटा मैं जा रही हूँ घर, तो आप करो ये. मैं पेशेंस चाहिए भाई इस काम. अम्मी जब नहीं आई तो अम्मी को बड़ा था कि मैंने तुम्हारी शूट जाके देखी है ना. मैंने कहा चले अम्मी आ जाए. लिटरली हम लोगों ने पूरा दिन प्लान किया हुआ था. अम्मी आई नहीं, अभी सोचो पहले सीन का मास्टर ही था. अच्छा. अभी मास्टर भी खत्म नहीं हुआ था. साथ अम्मी सर गाड़ी फिर से मुझे भिजवा दो. मैंने कहा बस इतना था, आपको रखते हो पता नहीं हम क्या करके रहे. ये होता है और अभी सीन का खाली मास्टर हो गया. अब कहते हैं ना कि भाई इसको कहते हैं कि अच्छा हसन, हम इसका हसन हम घर में बुलाते. अच्छा अच्छा. तो कि भाई हसन हमने जाना है शूट देखना. हाँ. तो हम, मैं ये कहती हूँ भाई बहुत बोर हो गए, कोई इंटरेस्ट नहीं. इतने रीटेक्स हो रहे हैं और निकलती क्या प्रोडक्ट है आप देखें कि कोई भी ड्रामे देखे बगैर. अब मैं सबको यही कहती हूँ कि ये आप लोग जो हम कोई भी एक सी हम कह देते हैं ये इसने क्या किया है. हाँ. ये कैसे. मैं कहती हूँ इस एक सीन के पीछे इनकी इतनी मेहनत होती है. है हर कोई मेहनत करता है बहुत. हाँ. अपने उस पे. तो हम लोग ये जो देखने वाले होते हैं वो फौरन ही बगैर सोचे समझे कि उनको लग रहा था पता नहीं कितना ये ग्लैमरस वर्ल्ड है. हाँ. इनको कितना मजा आ रहा होगा इस सारी चीजों में. लेकिन मैंने कहा इतना बेचारे इनका सख्त इनकी ये शूट वगैरह होती है. वो मेरा मेरा बेटा उधर है तो मुझे पता है. मैं साइड लेती हूँ बात कर रहा हूँ. अगला सवाल. हाँ जी. शरारतों में घर की किस चीज का सबसे ज्यादा नुकसान किया. ये शरारतों में ड्रेसिंग टेबल पे पहुंच जाती होगी आपकी लिपस्टिक है वगैरह सारी सब चीजें नीचे. हाँ. जरा सा वो क्रॉलिंग के बाद जब बच्चा चलना शुरू करता है. हाँ. घर का नक्शा ही बदल जाता है ना. मतलब हर चीज दीवारों पे डूडलिंग हो रही है. इंक पॉट का पॉट उठा के फेंक दिया गुस्सा चढ़ा. अच्छा. तो ये इन्होंने ड्रेसिंग आपकी मेकअप भी खराब किया है. मेकअप भी खराब की है. वॉल्स भी खराब की हैं. तो वो पेंट करवाना पड़ता था. हाँ हाँ. तीन चार बार. और ये इन्होंने किस चीज़ से. ये शरारती इतना नहीं था. अच्छा. जब 6 months का था. हाँ. ये वो लेता था चूसनी पैसे है ना. हाँ. तो इसको जब गुस्सा आता था तो ये एकदम मुंह खोल देता था, चूसनी गिरा देता था. अच्छा. जब जरा इसने ये थोड़ा खड़ा होकर चलना शुरू हुआ, इसको गुस्सा है, इसने बेडशीट वगैरह सारी उठा के ऐसे फेंक दिया, जाके मेरी लिपस्टिक ड्रेसिंग टेबल पे जाके ऐसे ऐसे कर देता था. ये बचपन का था इसका. हाँ. लेकिन शरारतें ये ज़्यादा. एक और चीज़ मैं अलाउ कर रहा हूँ मैं आपको बताने. अच्छा. मुझे जब गुस्सा चढ़ता था. हाँ. मैं तो अपना सर एनीथिंग फ्लोर ये लोग सारे डर जाते थे मुझे आप गुस्सा चढ़ाए. और मैं सेल्फ हार्म अब तो बड़े हो के अल्लाह का शुक्र है. पर मुझे ये होता कोई चीज दीवार है जमीन है टेबल खड़ा होता था ना वही ये मेरे है तो जाज होता था कि आई डोंट लाइक योर डंग. ओह माय गॉड. पहले तो होता था कि जैसे एक दो दफा सर बैंक किया एकदम से कोई ना कोई आंख उठा लिया प्यार कर लिया. मुझे याद नहीं है बट दे टेल मी कि उसके बाद तुमने कभी नहीं किया. उसके बाद मेरे अब्बू कहते मारने दो सो करो और करो और करो. आई थिंक मैंने एक दो तीन दफा की उसके बाद मैं देखा कुछ नहीं बचाने के लिए आ रहा खुद ही उठ के मर गया उस वो दिन और आज के दिन. आपकी इस बात से मुझे अपनी बात है. जब मैं छोटी थी तो पता नहीं कौन सी फिल्म या ड्रामा देख लिया था. मैं अपने अम्मी अब्बू को ब्लैकमेल करती थी मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी मैं घर छोड़ के चली. हम लोग कोयटा में रहते थे. मैं शायद 5 या 6 साल की होंगी तो अब्बा ने मुझे याद है आज तक वो तस्वीरों में मेरे अब्बा ने कहा एक दिन जाओ घर छोड़ के. अब मैं निकल गई घर छोड़ के. कोयटा में हम रहते हैं सोचो मतलब वहाँ कराची वाला माहौल नहीं है. अब 6 साल या 5 साल की बच्ची जा रही है आगे. अगर अब्बू कहते जाओ जाओ आगे जाओ. हाँ जाओ ना घर छोड़ के. पता नहीं मैं कहाँ तक आगे चली गई और पीछे अब्बू आ रहे. और मैंने कहा अल्लाह ये तो मुझे वाकई वो दिन आखिरी दिन है जब मैंने ये धमकी दी होगी मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी. सेम मैं बचपन में ना आई वॉज मैं बड़ी वो मामा जो बता रही है कि टाइट करो ये करो वो करो बड़ी जिद्दी बच्ची थी मैं. तो मुझे याद है तो इनको अब ये पता था कि इनकी हमें डांटती नहीं मारती नहीं होती थी कि बच्चे ढीठ हो जाएंगे. सो आई हैव दिस इमेज इन माई माइंड. मैं बहुत छोटी थी और इन्होंने एक दफ़ा कहा कि मैं ना तुम्हें छत से नीचे फेंक दूंगी. हाँ. तो मुझे लेकर तो मुझे नीचे लटकाया दीवार से. हाँ ऊपर से हल्का सा मैंने ना लटकाया नीचे कि मैं फेंकू तो मैं फेंकू. और मैं कह रही हूँ मामा मुझे माफ कर दे.
और उस दिन के बाद से मैंने इन्होंने हमें आई थिंक बचपन में मारने के बजाय ना डराती होती थी। अच्छा, एक मैंने डराने के लिए वो बॉटल लेके ना वो जो था उसमें कॉकरोच मरे हुए मरे थे, वो मैंने रखे थे। जब ये रोते थे या मैं यूं करती थी, वो ऐसा लगता था जैसे वो रो, तो फिर अच्छा मामा ये ले जाए। अच्छा मुझे, मैं इसकी इसके बड़ा गेंस हूँ कि बच्चों को डार्क रूम में बंद करो, मैं नजरों के सामने रखो और उन्हें डर डाल। कॉकरोच वाला आइडिया बड़ा अच्छा। मैंने एक बॉटल में यूं मैं हिला देती थी तो ये फिर भागते थे, मामा आप नहीं करते। आप क्या हर दफा नए नए कॉकरोच पकड़ती थी या क्या? नहीं नहीं नहीं, वो को कहा था, लेकिन इनको नहीं पता था, बच्चों को नहीं पता था कि ये मरे हुए या मरे हुए। तो अब एक दिन मुझे कह रही है मामा आप बड़ा डराती थी, आप कितने बेवकूफ थे। तो मैंने मारा नहीं था, मैं रोने नहीं देती थी, मारा नहीं था, ये ढीठ नहीं है। तो आप बच्चों सोचे, ये तो है, मेरी अम्मी तो चपेट लगा देती, मेरे अब्बू डराते थे हमें, हमें कहते थे बदतमीजी कर रही हो, अच्छा स्कूल की छुट्टी करोगी, तो बेल्ट लेके ना बिस्तर पे मारते थे और हमें लगता था कि जैसे हमें लग रही है। मारा नहीं कभी भी, लेकिन डराया। मैंने कहा पापा आप इतने खौफनाक थे, हम सोच भी नहीं सकते। और उसके बाद एक सर्टन एज बाद इतने फ्रेंडली हो गए। सो वो एक सर्टन एज होना पड़ता है, हर जरूरी है। बच्चे जैसे जब 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 बड़े एज में, मतलब 14-15 इसमें जब आ जाते हैं, फिर अब वो वही चीजें नहीं अप्लाई कर सकते जो बचपन में कर रहे थे। दोस्ती आपको बच्चों के साथ फिर करनी पड़ती है बाद में। जैसे मेरी इनके साथ थी कि ये हर बात घर से जो बाहर होती थी, तीनों बच्चे आके मुझसे जरूर शेयर करते थे। और मैंने कभी ये नहीं कि अच्छा ये क्यों ऐसे हुआ, मैं सुनती थी, इसलिए मुझे इनकी हर बात पता होती थी जो भी। और अभी भी इन लोगों का ये है कि भाई अपना जो भी उनको पता होता है कि हम अम्मी से बात करेंगे तो अम्मी हम बड़ा बारीक धागा होता है जिसपे कब सख्ती करनी है, कब दोस्त बनना है, ये पेरेंट्स को प्रैक्टिकली खुद ही पता है। अच्छी बात ये थी, इवन कुछ इस तरह की कॉन्वर्सेशंस जो कि माँ बाप अपने बच्चों के साथ नहीं कर सकते, जब आप सोसाइटी में जा रहे होते हैं, निकल रहे होते हैं, बड़े हो रहे होते हैं, एक सर्टन एज कर आ रहे होते हैं। अम्मी की अच्छी बात ये थी, अम्मी ने कहा था कि जो बाहर से लोगों को चीजें पता चलेंगी, आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो वो मुझे आज तक इतना अप्रिशिएट करता हूँ उस चीज को कि बी इट अस ब्रदर्स और माई सिस्टर, शी इन्फॉर्म्ड अस विद एवरीथिंग कि जिंदगी में आगे निकलोगी तो क्या क्या होगा, किस किस तरह की चीजें होंगी। एंड आई रियली थिंक राइट नाउ कि माँ बाप को बहुत, क्योंकि बाहर से पता नहीं किस डायरेक्शन में आपको क्या चीज़ पता चले, तो बेहतर ये है कि आपके माँ बाप ही आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दें, which is a very good thing. Yeah. So Amina उस ज़माने में, I don't remember any parents would do this. Amina में बिठाते थे कि बेटा अब तुम इतने साल के हो कि मैं तुम्हें बताती हूँ ये ऐसे ऐसा। I'm like great. और वो आज तक really, you know, आपको उन moments से बाद में realize नहीं होता। For example, मैं मी काफी चीजें करता हूँ, मैं मुझे आपके ही नहीं, आप बड़े गुस्से वाले, आप बड़े angry, आप बड़ा वो। But the more I am aging, I'm also realizing I'm becoming like my parents. And now I understand them way better. बल्कि अक्सर होता है मैं कहता हूँ मी यार याद है मैं उस चीज पे इतना बोलता था कि क्यों करती हैं। आज मैं खुद भी जब बाहर होता हूँ ना, काम पे होता हूँ और मेरी वो सिचुएशन होती है, मैं एग्जैक्टली वो चीजें कर रहा होता हूँ और मेरी रीजनिंग मेरे पास होती है कि वो मैं क्यों कर रहा हूँ। सो आई एम सॉरी एट टाइम्स कि मैंने उस जमाने में इतना कंटेस्ट किया, लेकिन इनकी जो मैं उसकी, मैं अपने आप को प्राउडली एक फेमिनिस्ट भी इनइक्वालिटी वे में कहता हूँ कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए एज आई एम नॉट रियली अ फेमिनिस्ट बट एज अ ह्यूमनिस्ट। ये सारी चीजें अम्मी से मिली हैं कि इंसान की रिस्पेक्ट, लाइफ की रिस्पेक्ट, जानवरों को नहीं मारना, लिटिल लिटिल थिंग्स जो कि उस टाइम पर तो आप एक फ्लो में सीख रहे होते हैं, लेकिन आज जब आप अपने ओन पे होते हैं आपको रियलाइज होता है कि आपके माँ बाप ने आपको जो हर मोमेंट में सिखाया था आपको कहाँ कहाँ पे काम आया। तरबियत नजर आनी चाहिए। इट्स मोस्टली यू, अब द मोर आई एम ग्रोइंग अप I feel like I am my mom. Yeah. So, जो subconsciously ये चीजें करती थी, जो उन्होंने हमें सिखाई नहीं है, जो ये करती थी, देखते बच्चे सीखते ज़्यादा है, just करते sponge की तरह होते हैं। और इन्होंने घर में अब so she has these set of rules कि अच्छा मेहमानों ने आना है तो उनके towels अलग हैं, उनके बिस्तर अलग हैं, उनके comforters अलग हैं, bedsheets अलग हैं। तो अब जब मेरे घर में कोई मेहमान आ रही होती है या मेरी फ्रेंड्स आ रही होती हैं तो मुझे सब कॉन्शियसली पता है क्या करना है। किचन में जिस तरह ये चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखती थी, इन्होंने कभी नहीं मुझे कहा कि ज़िंदगी में ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। जो जो इन्होंने किया वो खुद ब खुद मैंने बता दी होती हूँ कि अम्मा आपको पता है मैंने भी अलग से बेडशीट्स लेके रखी हुई अपनी दोस्तों के लिए, किचन में चीज़ें ऐसे ऑर्गेनाइज की हुई हैं क्योंकि आप शायद इस तरह से करती हैं। और वो हम पता नहीं किस एज से उन चीज़ों को देख रहे हैं। तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और इसी तरह सवाल सवाल और जवाब जवाब। गुड मॉर्निंग,
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. आज हमारे सेलिब्रिटीज अपनी मदर्स के साथ यहाँ मौजूद हैं और सच्ची बात मुझे नहीं लग रहा कि आज का शो हो रहा है, ऐसे लग रहा है हम घर घर खेल रहे हैं. घर घर की बात. मैं वही भी थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू द होल टीम एंड यू मे बी यू आर द कैप्टन ऑफ द शिप सो द क्रेडिट गोज टू यू. लेकिन हम लोग यहाँ पे बैठे हुए इतना कामिंग एनवायरनमेंट है सेट पे बिहाइंड द कैमरा मतलब बिकॉज हमें तो हप्पड़ दप्पड़ है फसल. Everybody's in a calm zone. आप इतनी comforting है. To our mothers too. जी जी. हमें feeling literally. Upar se I love the set. Iska vibe, the colors. It's very morning like. So मुझे तो बहुत मज़ा. Literally for 2 seconds मुझे पता ही नहीं है कि show हो रहा है. लग रहा है. बिल्कुल ऐसा कामयाब show आपका. MashaAllah. इतने सालों का एहसान है. Fans हैं हमारे. MashaAllah. प्यार करने वाले. आइए जी अगले सवाल की तरफ चलते हैं. आप क्या सवाल है? जी हम गुस्से में सबसे ज्यादा कौन सा जुमला इस्तेमाल किया करती थी? आए वो अब ग्लैड ये हमारे लिए है. सुनिए हम स्क्रीन पे बता सकते हैं क्योंकि मेरी अम्मा के तो हर एज में जुमले चेंज हुए हैं. सेम. हाँ भाई क्या इस्तेमाल करती थी अम्मा जुमला? यार अम्मा तो मतलब मेरी तो अम्मा को जुमला पर्टिकुलर नहीं होता. अम्मा की ना जब जब उन्हें गुस्सा आता है ना तो कहती है बस मेरे मुंह से कोई बात ना निकल जाए तुम्हारे लिए. तो मैं बच्चों के लिए कोई बुरी बात नहीं निकालती. वो हमें डर लगता है. हमारी अम्मा तो गधी कह देती थी. गधी नहीं 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 वो तो जो डांटे पड़नी है वो तो पड़नी है लेकिन जो इंटेंस वाला गुस्सा होता है ना उसमें वो बस जैसे ही कहती ना कि बस अब मेरे मुंह से तुम्हारे लिए कुछ निकल जाएगा मैं कहती हूं उसी टाइम निकल जाओ दूसरे मेरी 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 नजरों से दूर हो जाओ. तो हमारी तो हालत टाइट के अम्मा कोई बुरी बात ना मुंह से निकाल. बचपन में आई डिड समथिंग वेरी स्टूपिड. मेरा फोन पकड़ा गया स्कूल में 10th क्लास में. तो स्कूल से कॉल आ गई कि अच्छा जी फोन पकड़ा गया. वो तो मम्मा बड़ी डिसअपॉइंटेड थी बहुत ज्यादा. अब मुझे डर इस बात से लग रहा था कि इनके मुंह से मेरे लिए कोई बात ना निकल जाए. मेरा फ्यूचर तो बहुत जगह मेरा कुछ नहीं होगा. मैं रो रही हूँ इस बात पे कि अम्मा ने कुछ कह दिया कुछ दुआ कर दी मेरे लिए तो मेरा सब खत्म हो जाएगा. हम इतना डरते थे इस चीज से. ओ भाई अभी भी स्टिल अभी भी वरना भाई हम तो कहते थे बच्चे कि उल्लू की पट्टी तो यहाँ से कहता मेरा क्या कसूर है उल्लू के पट्टे. हम सॉरी सुबह सुबह ऐसी बात नहीं लेकिन बात और मैं इसको वो गाली नहीं समझती. उल्लू उल्लू बेचारा एक जानवर है. मुझे क्यों कह रही हो? अकलमंद जानवर है. देखिए रेस्ट में तो अकलमंद जानवर है. एग्जैक्टली आई थिंक सबसे ज़्यादा जो जुमला हमें इस्तेमाल कर हम इतने शरारती तो नहीं थे लेकिन हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था हम तीनों बहन भी लड़ते बहुत थे. और अम्मी के मुझे याद है कि एवरी टाइम यू टू फाइट अम्मी होते हैं अल्लाह ये बड़े होके मार देंगे एक दूसरे इनका क्या बनेगा. और हमें जेन्युइन नहीं लगता था कि हम तो बड़े होके खून पी जाएंगे बहन भाई. और अब उसको अपोजिट हम जान छिड़ा. आई थिंक We don't even need companions. सारा violence निकल चुका है. लेकिन हाँ, लेकिन ये मम्मी का patent होता था. अल्लाह अल्लाह मियाँ ये क्या करेंगे तो बड़े होके मार देंगे एक दूसरे को उनका क्या बनेगा. So I still remember from this question. शरारते नहीं करते थे जिद नहीं मेरे मुझे नहीं याद कुछ कोई ऐसी मेरी मम्मी कहती तुम्हारे बच्चे आते हैं पता ही नहीं चलता कि ये घर आए हैं. और लेकिन ये था कि इनकी लड़ाइयाँ बहुत. मैं इनको कहती थी एक लड़ाई लड़ाई और पढ़ाई. मुझे सिर्फ की दो टेंशन थी. हो जाते हैं घर में खामोशी होती है. ये सही कह रहे हैं. तो हमने बड़ापे में एक और बच्चा पैदा कर लिया हमने. हमारे घर में खामोशी नहीं होती. मेरा सबसे छोटा वाला 8 साल का है. तो वो हमारे बुढ़ापे का सहारा हम लोग कहते हैं. वो रौनक है घर की ना. रौनक अरे हरे शोर शराबा तो वो वाली चीज है. आइए भाई अगला सवाल. जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो अम्मी क्या बनाया करती थी? खाना खाना. उफ़ल्ला हमारी तो अम्मा बना ली थी जब मैंने कुछ समझ नहीं. आलू की भुजिया जो हमें नहीं पसंद. आलू गोश्त या फिर हाँ ये कुछ ना समझ आए तो ये बन जाता. ओए 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 अच्छा. और उस वक्त इतना इजाजत भी नहीं होती थी बाहर से खाना मंगाने की. अब तो बच्चे कर लेते हैं ऑर्डर. कैसी मंगा लो. और अब बल्कि इजी हो गया. बच्चे ने कुछ नहीं खाना आप ऑर्डर कर लो. मैं तो बड़ा तो बच्चे खुद ही ऑर्डर कर लेते हैं. आपको करने की जरूरत नहीं है. मेरे घर में नहीं इजाजत खुद ही ऑर्डर करने की. पैसे नहीं देती हूँ उनको. मैं तड़पा तड़पा के देती हूँ. 2000 पॉकेट मनी है उनकी महीने की. तो कहते हैं मम्मा इस जमाने में 2000 पॉकेट मनी वो यासिर देता उनको. इस जमाने में 2000 कौन देता है. बहुत अच्छी बात है. बहुत अच्छी बात है. मैं आपको बताऊँ ये जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाएंगे तो वो इन चीजों को इतना अप्रिशिएट करेंगे कि हमारे माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत की. इस वक्त तो बच्चे बड़े जुज़ बच्चों को ज्यादा पैसे नहीं देने चाहिए. ये ड्रग्स वगैरह ये बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं. उनके पास एक्सेस पैसा है तो वो गंदी चीजों में पढ़ जाते हैं. वैल्यू ऑफ मनी भी नहीं है ना कि कितनी हार्ड अर्न मनी है. और ये
हम जब अम्मा के और अब्बा के पैसों पे चल रहे होते थे तो अम्मा नया फोन ले दें ये वो, अब जब फोन बदलना है, नहीं नहीं अभी 3 साल चलेगा और ये अभी क्यों, अब जब अपने पैसों से बदलना पड़ रहा है तो आप कहते हो सब कुछ चलेगा 3-4 साल। मेरा छोटा वाला है ना, जब वो शॉप जाता है तो मैं उसको 220 रुपए देती हूँ, तो कहते हैं ये 220 रुपए क्या है, मेरे दोस्तों को तो 1000 मिलते हैं। मैंने कहा मिलने दो, हाँ तो मैं यही मिलेगा, इसी की शॉपिंग करो, मैथ्स में कैलकुलेट करते हैं मैं क्या क्या ले सकता हूँ। हाँ भाई अगला सवाल, बच्चे बचपन में कौन सी चीज खाने में नखरे किया करते थे? चलो हम तो करेले नहीं खाते थे, तुम आपकी बेटी क्या नहीं खाती? ये भी नहीं करेले खाते, करेले भिंडी सब्जियां बस कीमा बन जाए या गोश्त बन जाए, दो चीजें, गोश्त चिकन और गोश्त। अभी खाती हूँ तो मेरा, अब मैं अब खाती हूँ सब्जियाँ, जब से कराची आई हूँ तो सब कुछ खाती हूँ, सब कुछ खाती जो मिल जाए जो खाती हूँ, सब खाती हूँ, खाना होना चाहिए बस। अब नखरे खत्म हो गए हैं बिल्कुल, अम्मा ये नहीं खाऊंगी वो। अब मैं घर जाती हूँ तो बहनों को कहती हूँ कि बेटा जो मिल रहा है ना इज्जत से खा लो, मुंह ना बनाना, बहुत मुश्किल है खुद बनाना। अब मुझे कहेगी मामा मैं आ रही हूँ, मैं आलू बैंगन भी खाऊंगी, भिंडी भी खाऊंगी, मैं सब कुछ खाऊंगी। ओह माय गॉड, क्या चेंज आया, आप बताएं भाई, ये आप बताएं इनके किस चीज में नखरे थे खाने में? खाने पे भी इतने नहीं करते थे ये दोनों, ये तो बड़े फरिश्ता बच्चा लग रहा है मुझे, ये नहीं दोनों बच्चे, ये दोनों आपको लग रहा होगा कि अम्मी कह रही, ये जो जो बातें ये कह रही है, ये दोनों मेरे बच्चे ना बड़े, ये खाने में इतना वो नहीं करते थे। और इनको कुछ करने का बहुत आसान तरीका होता था, मीठा पराठा बनाना, मीठा पराठा खाओगे, ये खुश हो जाते थे। वो नखरे करती थी मेरी बेटी, वो हर चीज पे, वो अभी भी करती है, वो घर आएगी क्या बना, आलू गोश्त मैं नहीं खा रही, मैं मैकडोनल्ड मंगवा रही हूँ। उसको वो जरा है कि वो करती थी शुरू से, लेकिन अब जरा बच्चा होता है, घर चला रही है, वो एक होता है। ये दोनों लिटरली वाकई, लेकिन अल्लाह ताला उसका मकाफात अमल है ना, आपके खुद का बच्चा एक आपका फिर ऐसा निकलता है तो वो वाली चीज होती है। अगला सवाल क्या है, अम्मी लाड में बच्चों को क्या कहकर पुकारा करती हैं? चलो भाई क्या कहती मैं, मेरा बच्चा, नहीं कोई नाम निकनेम होता है ना, कोई जैसे मुझे नीडो कह देते थे या कुछ ऐसा, मतलब हसन, वैसे तो हसन ही या पारू या ऐसे अभी, मतलब मैं अपनी मेरी निवासियां भी हैं उनको भी प्यार से गुगू जैसी बिल्लियों पे पेट्स भी आती है, एकदम से यू हो जाता है घर में, जैसे हमारा जानवर कुत्ता बिल्ली इतना अंग्रेजी क्यों हो जाता है। सो मैंने अम्मी से पूछा कि फर्स्ट जब मेरी बिल्ली थी डाइड, उसका भी नाम मैंने बड़ा सोच के टॉबी एंड दिस एंड दैट, मगर अम्मी छोड़े यार घर का पार्ट लगना चाहिए जैसे हम हैं। सो अम्मी ना बोलती थी जब से वो आया ना, बिकॉज अम्मी मेरी नीसेस को गुगु बोलती, जैसे वो आया ना, बिकॉज ही वाज लाइक अ लिटिल किटन टू, तो मैं भी गुगु, मैन का आई लाइक दिस नेम, लेट्स कॉल इट गुगु। सबको पता चल गया कि इनका घर में नाम गुगु था, अम्मी गुगु बोलती थी, वैसे नहीं था लेकिन जैसे प्यार भी किया तो वो चाहे, मैं खुद अपने बच्चे को गुगु बोलती थी, वैसे नहीं मतलब ये जब इनका दौर, अब जैसे अली रजा बड़ा है, रजा ये नूर हसन, हसन हसन मतलब इस वो फरवा ऐसा कोई इनके नाम, इन लोगों की जो जनरेशन थी ना नामों वाली, ये हमारी थी अम्मी के सारे कजन पप्पी गुड्डू गुड्डा चाली बुक्की। कभी कभार खानदान में वो होते हैं लोग जिनके आपको एक्चुअल नाम ही नहीं पता, आई डोंट नो पप्पी फुफू, अरे भाई पप्पी फुफू का एक्चुअल नाम क्या है, अम्मी को बोलते थे बबली, हमें तो बड़े होने तक पता ही नहीं था मम्मी के नाम, बिकॉज़ वो सारे कजन्स एक दूसरे, मेरी दादी को सब मम्मी बोलते थे, यहाँ तक कि उनके मियाँ ने भी एक जमाने में मम्मी बोला। अच्छा बेटियाँ इतनी थी मेरी अपनी, अभी कल परसों ही बात हो रही थी तो मैंने उनको बताया मेरी कजन्स की मैं जा रही हूँ उधर, तो मैं उनको हंस रही थी, मैं उनसे कहूँगी कि इतनी वो बेबी है, मैंने कहा मैं कहूँगी वो इस्लामाबाद वाली बेबी, वो साहिवाल वाली बेबी, वो लाहौर वाली बेबी, मैंने इतनी बेबियाँ थी हर घर में, बेबी ये पप्पू बब्बू इस तरह के। अच्छा अब जब हमारे बच्चों का काका भी ना काका, हाँ हमारी बारी में उन्होंने कहा भाई बहुत हो गया, आप बताएं क्या है इसका फोन्स है नाम, क्या फोन्स उससे अब वो इनहेंस होके जमाने के साथ साथ इवॉल्व किया, वैसे हम एक दूसरे से ऐसे बात करते हैं, बल्कि मेरी दोस्तें हंस रही होती है, क्या कर रही है,
वाली तू बता तू क्या करी, तूने आज क्या बनाया खाने में, कहीं तुम अपनी माँ से ही बात कर रही हो। मैंने कहा हम आपस में एक दूसरे से ऐसे सास से ऐसे बात करती थी, और फरीदा बड़ी कट्टो लग रही है। हाँ सीरियसली मैं अपनी सास से ऐसे बात करती थी, अम्मा से ऐसे हम आपस में करते हैं। बेटा है मेरा, उसको कहेंगे साले कहाँ गायब है 2 दिन से, तेरा फोन नहीं आया। दिस इज हिलेरियस। तो वो जरा मजा आता है बच्चों के साथ। लाए भाई अगला सवाल। घर का कौन सा ऐसा कानून है जो बच्चे चाहते हैं कि बदल जाए लेकिन बदल नहीं रहा? यही होगी तो मुझे लगता है कर्फ्यू वाली। मेरी बहनें जो अभी देखेंगी शो को, उनकी जिंदगी का सैफ ये कि अम्मा हमारा 10 बजे तक कर दें कर्फ्यू, ये बदल जाए, हमने किसी शादी पे जाने। बेटा मैं साथ जाऊंगी कर्फ्यू वाले टाइम में, मैं साथ जाती। लेट अगर आपने लेट जाना, फ्रेंड्स के साथ जाना, बर्थडे है कुछ, मैं साथ जाऊंगी। वैसे मैं कहती मगरिब के बाद आप घर पे हो, मैंने लॉक्स लगा देने। अरे बाबा सोचे इन्होंने कितना बड़ा दिल करके मुझे यहाँ भेजा है। तो यहाँ कहती मामा मैं तो वहाँ चलती, मैं वहाँ तेरा बेटा काम है, वहाँ वो काम की वजह से है, तो घर में नहीं, घर में नहीं करना। और आप लोगों का क्या है भाई रूल? जो ये तो बच्चे ही बताएंगे, बताएंगे यही बताएंगे। नहीं रहा वही कर्फ्यूज ये, और तो कुछ भी नहीं है सच। अच्छा सो आई एम अ वेरी, मुझे ना बहुत रख रखाव, खास वो नकली वाले नहीं आते ना, अम्मी बहुत रख रखाव वाली है। अब जब मैं कराची में, मुझे कम से कम अब कितने कोई 15 साल हो गया कराची में मूव हुए, एंड आई हैड नो आइडिया दैट आई हैड अ सिंगल रिलेटिव हियर। अब अम्मी आई है तो अभी मैं कहते पिछली ईद में घर पे कोई 20 लोग इनवाइटेड खाने पे, और सारे रिश्तेदार और सारे कराची के, और मैं उनसे निकल रहा हूँ, I'm so sorry. I had no idea that you existed in the same city yeah. I've been living in. Yeah. So अब अच्छा अब मुझे ना मैं रिश्तेदार, मुझे रख रखाव वाला टाइप नहीं हूँ, बस दिल किया तो मिल गया, otherwise I can't. मम्मी है रख रखाव वाली, तो बाज़ में मूड नहीं भी होता ना, बिकती आओ इधर आके बैठो मिलो सबसे, मैं कभी कमरे में नहीं बैठो ज्यादा देर, थोड़ी देर, you know what I'm saying? अच्छा अम्मा सुबह मुझे शादियों में बहुत ले जाते हैं इस तरह की चीजों पे, चलो नहीं मिलना जरूरी है, नहीं वो तो नाराज हो जाते थे। मुझे ना आजकल थोड़ा सा पेरेंट्स का है कि कोई घर में मेहमान आए हुए थे, रिश्तेदार कोई भी भी कभी बच्चे सो रहे हैं, नहीं उठाते, नहीं उनको बुलाते, नहीं आके कहते कि भी आके मिलो, ठीक है। माशाल्लाह इतने सब बड़े हैं, मैं इनको इवन मैं पूछूंगी अगर, अच्छा हसन आपने सलाम किया, अम्मी किया है मैंने, और मैं उठा के उठो आए आके बैठो, मैंने कहा ये क्योंकि ये चीजें इन लोगों ने भी सीख ली है ना, बिल्कुल बिल्कुल। आगे जब ये और एक और कानून का चेंज होना चाहिए, शॉर्ट्स शुड बी अलाउड, क्योंकि मैं ना घर में चड्डी पहन के आराम से फिर रहा हूँ तो रिलैक्स जिस तरह घर में होते हैं, जैसे कोई मेहमान आती नहीं है तरीके से ट्राउजर, अभी मैं पहन के भी आ जाऊँ ना किचन में जा रहा हूँ सो के उठा और कोई आया हुआ है अच्छा मीट जा रहा हूँ भाई कहाँ नहीं मेरा दोस्त क्या ये बोलते हैं भाई। आगे भाई अगला सवाल जी। कौन सा ऐसा काम है जिसको करने में बच्चों की जान जाती थी या जान जाती है? बताएं। चलो भाई अब तो सब करना पड़ता है, पहले आप बताएं। चलो पहले आप बताएं। अच्छा अम्मी की एक चीज हमें बड़ी वो लगती थी ना, अम्मी जब कोई मेहमान आने वाले होते जब ऐसे ग्रोसरी करनी होती थी, अम्मी को ना एक साथ सारी चीजें याद नहीं आती है, so we used to hate going out and getting things, और अभी अब घर वापस आई नहीं है, ओह मैं तुम्हें ये 2 चीजें तो बताना भूल गई, ओह मैं कहता अम्मी यार अभी गए अभी होकर आए, मतलब सीरियसली एक दफा आप एक ही दफा सोच अभी हम लोग जाएंगे दही ले आए, इसमें मेरी जान जाती थी। फिर मैं इनको वही ये अक्सर दिखाते भी है ना, कह के धमकी देते हैं कि अच्छा फिर मैं खुद ले आती हूँ ये सही, फिर मैं कहती थी अच्छा फिर ना लो मैं खुद चली जाती हूँ, अम्मी आप ये जा रहा हूँ। तो अभी एक्टर बनने के बाद, मशहूर होने के बाद भी आपको डबल रोटी अंडे लेने भेजा अम्मी ने? अब तो मेरे साथ जाती है अम्मी, ग्रोसरी साथ होती। हाँ भाई आप बताएं। मेरा क्या किचन में जाने से जान जाती है। अच्छा किचन का काम नहीं, मामा मेरे से कुछ बाहर के काम करवा लो, बाहर के ग्रोसरी करवा लो सब, और आप अब मैं 20-20 लोगों के खाने खुद बना रही हूं। ओह माय गॉड आई कैन कुक कराची आके। अंग्रेजी एक कहावत है द प्रूफ ऑफ पुडिंग इज इन द ईटिंग, जब बुलाओगी ना हमें तब हमें पता चलेगा कि कुछ तो एक खाने का। मैंने आके देखा है, मैंने कहा वाह भाई वाह बहुत अच्छा, आटे दाल का भाव पता चल गया मुझे कराची आके। मैंने खाने मुझे अंडा भी नहीं बनाना आता था, एंड एवर सिंस आई मूव्ड हियर फूड फ्यूजन, अम्मा से पूछ पूछ के अच्छा क्या करना है, now I cook, अब cooking has become therapy for me. cooking भी कर लेती है माशाल्लाह, जब सब कुछ जब सर पे पड़े सब कुछ आ गया, ट्रेनिंग हो गई बेटी की। देखिए यही तरबियत है,
आपने बेशक उस वक्त हम लोग जो माएं कर रही होती है घर में जो चल रहा होता है ना, और मैं ये कहती हूँ अक्सर जब बच्चे बाहर जाते हैं ना घर से तब पता चलता है कि हाँ जी चले माएं करवा लेती हैं, मुझे भी टेंशन नहीं, मैं कहती चलो घर में है ना मैं कह के करवा रही हूँ, लेकिन हाँ जब ये जैसे ही ये बाहर जाते हैं फिर उनको पता होता है ऑटोमेटिकली वही काम करना शुरू कर देते हैं जो, तो वो हमें सबसे पहले घर का माहौल वैसा तरबियत का नाम हम कहते हैं ना तरबियत का प्रैक्टिकली दिखाना पड़ता है बच्चे, ये नहीं है कि बच्चों को कहें कि बड़ों की रिस्पेक्ट करो ये करो घर को साफ रखो, नहीं जैसा टाइम गुजर गया ना हमारे घर में बड़ों की, हमारे बच्चों ने देखा है कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे होती है, चाहे हम कितने भी अब हम बड़े हो गए लेकिन हम अपने से बड़ों की अपने सबका हम एहतराम करते हैं, हमें पता है कि नहीं। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है जो मुझे अब हमारे में बहुत ज्यादा फील होती है, हम सारे बहन तीनों बहन भाइयों में, मैंने कभी अम्मी पापा को ना या अम्मी को खासतौर पर लोगों, हम लोग ऐसे लोग हैं जो दूसरों की खुशियों में खुश होते हैं, कोई प्रोफेशनल जेलसी, द रीजन अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि तुम जहाँ पे पहुँचना चाहते हो क्या तुम हो तुम जेलसी, बिकॉज आई नेवर सीन माय पेरेंट्स के कोई कजन कुछ ऊपर निकल गया या किसी के साथ कुछ अच्छा हो गया, ये नेमत है, दिल से हम लोगों को ग्रो करते हुए देख के, इवन हमारे जो अंडर डोमेस्टिक हेल्प्स हैं हमारा दिल कर रहा होता है कि अम्मी यू नो जैसे चैरिटी वाइज तुम बीवी के लिए ये ले जाओ उसके लिए कर लो, सो मैं भी कहता हूँ कि अब जब मैं लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि तुम गॉसिप क्यों नहीं करते, इट्स लाइक नॉट बिकॉज़ आई एम अ गुड पर्सन, इट्स बिकॉज़ इट्स नॉट इन माय सिस्टम, कि मैंने कभी जेलसी नहीं होती देखा जो हम लोग जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, अब वो छोटी छोटी चीजें में रियलाइज होती हैं कि यार इसलिए भी बुरा फील नहीं लगता क्योंकि इन लोगों ने कभी हमारे सामने अदरवाइज आई सी अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स डू दैट कि किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ नहीं बैठ के सारे शुरू हो गया कि उनकी लेग कैसे पुल कर रहे हैं कैसे खींचती है, तो अब इतने वो करती है इफ्तारियां बनाती है दोस्तों की पूरे दस्तरखान, मुझे पिक्चर्स भिजवा रही थी पहले का, मुझे नहीं यकीन आ रहा ये मामा मैंने खुद कुक किया वाह भाई जबरदस्त जबरदस्त, मैंने कहा माँ के लिए नहीं था इतना सुख वो दूसरों के लिए हो गई ना ट्रेन हो गई बच्ची ट्रेन हो गई। लाइव अगला सवाल, मेहमानों की अचानक आमद पर अम्मी का क्विक रिफ्रेशमेंट ऑप्शन क्या होता है? क्या भाई नजर होती थी मेहमान जाए तो हम खाएं। मैं तो मेरे घर में मामा का तो ये है कि अगर मेहमान आ गए ना फौरन आ गए, पता नहीं ये कहाँ से चीजें निकालती हैं, अल्लाह जाने कबाब खाना ये रखो वो गाजर का, हमें वो पता भी नहीं है कि घर में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पूरी दस्तरखान माशाल्लाह से वो भर देंगी और हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि तमीज से तरीके से खबरदार अभी देखो अच्छा ठीक है चले जाएंगे हाँ तो वो आपने नहीं खाना, और शायद ये आदत अब हमारे अंदर होगी कि जो भी कोई आपके घर पे आते हैं मेहमान आते हैं मेरी अब कुछ कोशिश होती है जो कुछ है इनके सामने रख दो, अपने बड़ों से सीखा है कुछ भी नहीं आप देखो कबाब है शामी कुछ भी है फ्रीज हुआ उसको आप तो लो जल्दी से आप दूसरे को अच्छा खिला दो, खुद मामा मुझे कहती है खुद कम खा लो कोई बात नहीं खुद खा के तुमने क्या करना रोज ही खाती हो, बट तो इनकी ये होती है कि जो चीज घर में होती है तो वो अक्सर लोग कहते हैं कि हम तो बिल्कुल अचानक आए थे आप तो प्रिपेयर थे हमारे आने के लिए, तो ये सीन है जबरदस्त, मैं तो कबाब जरूर बना के रखती हूं ऐसे कि रोल वगैरह ये चीजें बिस्किट होती है ताकि अगर अचानक आ गए तो फिर ये है कि कबाब तले और ये किया, और ये जरूर होता है घर में जब केला था ना मेरा फिर तो खाली होता था और प्लस डाइट भी होते हैं मुझे तो पता अच्छा आई एम अ फूडी सो मैं कहता हूं ऑप्शन ही नहीं घर में पड़ा होगा आई लीट सो मेरे घर में अगर आप एकदम से आ जाओगे ना देयर वुड बी नथिंग डाइट कोक आपको शायद मे बी मिल जाए डाइट सॉफ्ट ड्रिंक मिल जाए दैट्स इट बिकॉज़ मुझे पता है कि मैं अपने पास चिप्स सैनिटाइजर की कुछ चीजें रखूंगा, अच्छा मुझे खाली फ्रिज की आदत है अब जब से अम्मी आई ना मैं फ्रिज खोलता हूँ अट्टा हुआ फ्रीजर अट्टा क्या करेंगे इतनी चीजों का चीज जमी हुई है खाने पत्थर आज लाइक व्हाट डू यू डू विद ऑल दैट फूड ये तो फायदा है कि ये तो फायदा क्यों होने का आई मूव्ड इन विद अ रूममेट मेरी दोस्त थी तो मैंने क्या करना मैंने उससे कहना कि हमने ना जार्स ले लिए यहाँ कराची आके और मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है बिस्किट्स नॉट फॉर रूममेट्स और लिखा हुआ है सिर्फ मेहमानों के बिस्किट खबरदार इनको किसी ने आग लगाया ये सिर्फ मेहमानों के आगे ही ये सही है भाई एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद इसी तरह के सवाल इसी तरह के जवाब गुड मॉर्निंग रिलेटेबल शो है आज का बहुत वेलकम वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान शो के बीच में भी एक शो चल रहा होता वो ज्यादा मजेदार शो हो रहा होता है एक अलग शो हो रहा होता है लेकिन आप यही देखें बस यही तक बस है लाइए भाई अगला सवाल क्या है क्या चीज खरीदते वक्त अम्मी पैसे खर्च होने का दुख नहीं करती हाँ ये भी है ना एक
आपका वैसे खुला हाथ है या खुला हाथ है? शदीद। तो क्या चीज खरीदते हुए अम्मी दुख नहीं करी होती कि भाई ये तो खरीदना ही खरीदना? मुझे हम पे पैसे स्पेंड करनी होती है ना, उसमें अम्मी को कभी दुख नहीं हुआ। इवन अगर मैं अपनी पावर से ज्यादा भी कोई चीज करते हैं तो शी ऑलवेज मैनेजेस इट। सो आई थिंक अपने जो हम जब भी कुछ आप लोग के ऊपर पैसे, हमारे ऊपर भी पैसे खर्च करते हैं, वी हैप्पीली हैप्पी। आप लोग यहां पे सेम ईयर बच्चों पे, हाँ बच्चों पे कुछ भी चाहिए होगा, बच्चों को आईफोन चाहिए, कुछ चाहिए, ड्रेसेस चाहिए, कुछ भी बच्चों पे। मैं बड़े खुले दिल से, लेकिन अपने पे फिर जरा थोड़ा सा। और मैं इन्होंने हमारी जिस तरह से एजुकेशन पूरी कराई है, I remember that there was a time where she sold her jewelry मेरी फीस देने के लिए। और मैं सारी जिंदगी आई थिंक मैं अभी नहीं कहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया की भी ज्वेलरी ले आऊँगी ना तो मैं वो पूरा नहीं कर सकती। तो इनका तो ये कि बस इनका बस नहीं चलता कि ये भी उतार के हमें दे दें। वही वाली आपकी वाली बात कि माओं का शायद दिल ही ऐसा होता है, सब कुछ बन जाता है जिंदगी में, लेकिन सब कुछ आ जाता है, ज्वेलरी भी सब कुछ, घर, लेकिन बच्चों की जो एजुकेशन उस पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। कितनी अच्छी, मुझे बहुत जरूरी है और अच्छी औलाद टाइम पे, आप पे टाइम पे। किसी ने मेरे शो पे आके, मैंने बड़ा सीखा अपने शो से, किसी माई ने ये बात कही थी आके शो पे कि बच्चों को प्रॉपर्टी ना दो, एजुकेशन दे। एजुकेशन बिल्कुल बिल्कुल वो काफी है, वही बात। बट उसके अलावा इनको दुख नहीं होता दही, ग्रोसरी, फ्रूट्स, हेल्दी चीजें। मेरी माँ जितनी बड़ी हेल्थ फ्रीक है कि गुड गुड ईटिंग की जितनी बड़ी ये एम्बेसडर है ना, मतलब रात को भी मैं लेटी हुई थी, हमने शो पे आना था, इन्होंने टमाटर या वो केला लिया, उस पर हनी डाला, मैं लेटी हूँ फोन यूज करी हूँ मेरे मुंह पे आके लगा दी। अम्मा क्या करने, स्किन अच्छी होगी, सुबह शो पे जाना है तो इनको दही हमें आके खिला रही होंगी, हम बैठे होंगे और फोन यूज करें, नीचे बैठे में सर में आके तेल डाल देंगे। तो ऐसी चीजों पे इनको कोई दुख नहीं होता चीजें स्पेंड करने। अच्छा मुझे ना, मुझे अपना पर्सनली कुकिंग का शौक नहीं है। अच्छा लेकिन मुझे ना, जब मैं किसी के लिए जब खाना, मुझे लोगों को खिला के उनके लिए ढेर सारी चीजें बना के अच्छा और खुद ये नहीं, अभी जैसे यहाँ है हमारे पास कुक भी है, लेकिन जब मैं खाने पे बुलाऊंगी किसी को तो मेरा दिल चाहेगा कि सब चीजें मैं, और उसमें फिर मैं कहती हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें हमें, जरा वहाँ पंजाब की आदत है कि वहाँ माशाल्लाह लोग ज्यादा खुश हो रहा है। मैं उस दिन भी ये बात कर रही थी कि वहाँ हम इतने बड़े बड़े देगचों में बनाना, यहाँ मैं उसी हिसाब से इतना ढेर ढेर सारा बनाती हूँ, तो वो फिर बाद में मैं कराची वाले मुझे सबको खिला उसके लिए, फिर जितने मर्जी है मैं कहती हूँ चीज कम ना हो, कम ना हो बिल्कुल। अगला सवाल क्या है भाई? हाँ, अम्मी कैसी बहू या दामाद की चाह रखती थी या चाह रखती हैं? ओहो, चले भाई शुरू हो जाए। हाँ भाई, क्या लिस्ट है आपकी? अच्छा मैं माशाल्लाह मैं बताऊं कि हाँ। मेरी एक बहू भी है। अच्छा, माशाल्लाह हानिया, वो आईटी की वो है, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर है इंग्लैंड में, और मेरा दामाद माशाल्लाह चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और जैसे मैं चाह रखती, मैं बहुत, मेरे बच्चे हैं ना हाँ। इनकी मैंने तरबियत की है, मैं इनको, ये बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो आपके साथ आपके बच्चों की लिस्ट में बाहर से आके लोग शामिल होते हैं ना बच्चे, वो एक बहुत मुश्किल मरहला। मेरी अम्मी कहती थी कि सबसे बड़ा मुश्किल मरहला बच्चों के शादियाँ करना है कि कैसे लोग मिलेंगे। तो इस चीज़ में अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये कि मेरी बहू भी, मैं कहती उसके साथ मेरी बहुत दोस्ती है, बहुत अच्छी है, दामाद माशाल्लाह मेरा हमें जितने बाहर से लोग आए हैं और फैमिलीज भी, क्योंकि फैमिलीज देखें, एक खाली हमने एक उसकी अभी भी मैं उसकी उसको समझा, कुछ भी होता है हाँ। मुझे पता है कि मैंने उसको कैसे गाइडलाइन देनी हाँ, है हाँ। अब बहू जो है वो आपके घर की एक लेगेसी को लेके चलती है आपको, उसको वो अगर देखें, अब लोग माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि मेरे तारीफ करते हैं और हाँ। वो एक तरह की मॉडल है, लोग रोल मॉडल है सबके लिए, कि कहते हैं ऐसी हानिया जैसी हो हाँ, वो इतनी अच्छी है। तो उसमें मैं बहुत अब लकी हूँ, अब इंशाल्लाह मैं कहती हूँ कि जहाँ अल्लाह ने यहाँ मेरी मदद किया तो आगे भी आगे भी खुश रहे जो भी जिंदगी में,
व्हाटएवर मैंने कहा अभी मुझे इसका फायदा वो है ना हां शुरू में मैंने मुरादें पूरी कर ली हां नाउ शी इज टेंशन है हां भाई यहां क्या लिस्ट है बस क्या क्वालिटीज हो भाई दामाद में दामाद में अच्छा होना चाहिए सबसे पहले तो उसे काम करने से नहीं काम हाँ. नहीं करने दे क्योंकि बच्चों ने इतना पढ़ा यहाँ तक पहुँचे हाँ. हैं काम करने दे ना जी हाँ. इतनी हाँ. मेहनत की है तो ये है और बस इज्जत करने वाला हाँ. हम हाँ. भी उससे प्यार करें वो भी हमें इज्जत दे हाँ. बस ये दो तीन चीजें होती है बाकी अपने नसीब का लेना होता है हाँ. ये जो लोग कहते हैं जी बड़ा दौलतमंद ये मुझे मैं इनसे डिसएग्री करती हूँ कि अच्छे लोग हों अच्छी फैमिली हो प्यार करने वाले हों हम भी दें ये बहुत इम्पोर्टेंट है बाकी तो देखें अगर एक अपनी किस्मत का जो है ना वो अल्लाह ताला इनको दे और बाज दफ़ा ये मैं सारी सासों को एक नसीहत उनको करती हूँ कि हम हर इंसान की कैपेसिटी डिफरेंट होती है बहुत लड़कियां अच्छी होती हैं उनको घर के काम में दिलचस्पी नहीं होती नहीं या मतलब मुख्तलिफ सबकी लेकिन अच्छी होती है लेकिन हम क्या करते हैं अच्छा ये ऐसी हम जज उसी से ये काम नहीं कर सकती ये नहीं कर सकती ये नहीं करेंगी पूरा कैरेक्टर सोचना चाहिए आने वाली को हमें मैं जाती हूँ जब भी इंग्लैंड अपनी बहू के पास तो मैं उसको यही कहती हूँ मैं कहती हूँ हानिया मुझे ये है कि तुम खुश हो के अम्मी आ रही हैं अब मैं सुकून से दो तीन महीने गुजारूंगी ना कि को आए हाय अब आ गई अम्मी मैं ये किचन देखेंगी अब दो तीन महीने मेरे और मैं जाती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको उसकी उसको अच्छे खाने बना के खिलाऊँ क्योंकि वो माशाल्लाह बहुत अच्छे खाने बनाती है बहुत हर खाना वो बहुत अच्छा बनाती है और इतना पढ़ी लिखी भी है तो लेकिन मैं यही कहती हूँ कि ये सारी सासों को होना चाहिए कि आने वाली को स्पेस दे ठीक है और उसको पहले मोहब्बत दे बिल्कुल तो फिर आपको हाँ, इज्जत भी मिलेगी उसको फील हो कि ये मेरा घर है घर है हाँ, तब वो उसको ओन करेगी हाँ जी तो सही है दोनों के क्राइटेरिया पता चल चुके हैं सुन ले आप लोग अगला सवाल अम्मी के हाथों का बना कौन सा खाना खानदान भर में मशहूर है हाँ भाई ये होता था बिरयानी ओहो लेकिन लाहौर वालों को बिरयानी नहीं बनानी आती ये लोग पुलाव बनाते हैं ठीक है अब मुझे कराची में आके पता चला लेकिन मामा जो बनाती हैं और मामा की एक बड़ी मज़े की रेसिपी है शी मेक्स दिस मैगी नूडल्स जो होती हैं उसके बनाती हैं कबाब अब ये लोगों के लिए बड़े एलियन सा कॉन्सेप्ट होता है सो उसमें ये होता है कि नूडल्स मैगी नूडल्स में आई थिंक ये अंडा शंडा करके उसको फ्राई करते हैं चिकन और बहुत टेस्टी होते हैं पहले तो मैं कहती थी क्या कर रही है क्या मैगी नूडल्स के साथ क्या कर रही हैं अम्मा बट देयर सो टेस्टी क्या उसको क्या करती हैं उबालती हैं और उसके बाद बनता है कच्चे बिल्कुल उसे उबाल के कच्चे को उसमें आई थिंक अंडा और हरी मिर्च और मसाले और सब डाल के एंड देन कबाब से बना मैं भी वो बना और चिकन भी उसमें चिकन आलू है ना वो करके वो बनाती है वो हमारी पूरी फैमिली में बड़ी मशहूर अम्मा के हाथ की वैसे हर चीज बिकॉज़ शी नेवर ये आपने कहां से सीखी ऐसी खुद ही आपने ट्राई किया है नहीं 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 सीखा है कहीं से अच्छा कहीं से देखा दोस्त थी तो वो बनाती थी एक हमारा चिकन रोस्ट होता है हां हां वो बड़ा वो जो देगी रोस्ट होता है वो घर में मशहूर वो घर में बना वो कहते ना फलानी भाभी के हाथ का ये खाना है भाई पाए बहुत मजे के उनके मतलब हलीम बहुत अच्छा है उनके हाथ सो यहां क्या सी यहां अम्मी के पराठे अभी मेरे तो somehow हालांकि पराठे सच अ कॉमन थिंग टू डू लेकिन अम्मी के बहन भाई भी जब आ रहे होते हैं मेरे कोई भी जो लोग जिन्होंने अम्मी के हाथ के पराठे खाए हैं अच्छा। so, normally लोग लोगों को डिनर में इनवाइट करते हैं मैं मोस्टली ब्रेकफास्ट पे कर रहा हूं नाश्ता करना है सुबह पराठा अचार और असली अम्मी अब हमारा रिवर्सल आ रहे ना और ऑर्गेनिक चीजों पे रियल चीजों पे सब हम लोग वेजिटेबल ऑयल कनोला शनोला नहीं यूज करते हम देसी घी में खा रहे हैं प्रॉपर जो पुराने जमाने में जिससे हम भागते थे वो सारी चीजें अम्मी दूध रोज रात को मुझे ग्लास ऑफ दूध यू नो जो हम कहते हैं हमें कहा नहीं वो सारी फुल फैट सुबह थोड़ा सा फायदा है कि वो अब मजा उसके अलावा चिकन कॉर्न सूप मेरी पूरी फैमिली में ना सब मुझे यही फरमा हम आएंगे आपने कुछ नहीं बनाना चिकन कॉर्न सूप बनाना है और यखनी वाला पुलाव वो सब अम्मी इज मास्टर ऑफ यू एक उधर लोग अम्मी से भी खाने का मैं कहता अम्मी लोगों से ज्यादा मेहनत वाले खाने नहीं बनाते मजेदार एक्सपेरिमेंटल खाने तो मंचूरियन तो पता नहीं सुशी मतलब उनको घर में माय मन का अम्मी आप वही पुलाव वही बिरयानी वही चार घर में उसके अलावा हमने कभी कुछ नहीं खाया बट जो बनाती थी फिर वर्षा बनाती थी वो एवरीबॉडी वुड लाइक इट मां का प्यार होता है उसमें हां ये तो है ये तो है अगला सवाल क्या है अगर अम्मी को घर के कामों से एक दिन की छुट्टी दे दी जाए तो वो सबसे पहले क्या काम करेंगी चले भाई आप तो वैसे हाँ, काम मैं तो छुट्टी पे आई हुई हूँ ना पहला काम ही था बेटी को बेटी कोई छुट्टी नहीं है इनकी इनको मेरे घर आके भी सुकून नहीं है उठेंगी आओ मैं तुम्हारा स्टोर सेट कर दूं मुझे किचन का कुछ बता दो मैंने कहूंगी अम्मा आपको बैठ के गिल्ट ट्रिप किस चीज का होता है बैठ जाए सुकून करे नहीं कोई ना कोई काम ढूंढ के वगैरह पे जाती है वेकेशन पे हमारे साथ
वहाँ जाके भी हमें ऑर्गेनाइज करी, ये सेट कर दो, वो कर दो, अच्छा बेटा ये खा लो, ये कर लो, वो इन, मुझे लगता है कि एक माँ की कभी छुट्टी होती नहीं है. हाँ, इनको अगर सब कामों से छुट्टी दे दी जाए तो शी विल गो टू, शी लव्स टू गेट हर मेनी पेडी डन. सो मेनी पेडी पे ये जा सकती हैं. अभी मैं लाहौर आ रही थी तो छोटी बेटी मुझे कह रही मम्मा कब जा रही हैं. मैंने कहा बेटा मैं फलाफड़ा डेट, अच्छा मेरे लिए दो तीन खाने बना जाना. बच्चों के हाल सुन ले, बातें सुन ले. मैं समझी कहेगी मम्मा आई मिस यू भाई मुझे. मैं अब तो कोई काम नहीं करती, छुट्टी बहुत अच्छा लगता है. बुक्स में बहुत पढ़ती हूँ और मुझे बचपन से मैं बुक्स बहुत पढ़ती हूँ. अभी भी जैसी होते मुझे, मैं अपनी मेरी अपनी भी बुक्स हैं रेकी की और इनकी वो. इसके अलावा मैंने दोबारा से मंटो को पढ़ना शुरू किया है. हालांकि पढ़ा है उनको मैंने, बानो कुदसिया, अशफाक अहमद, ये मेरे फेवरेट हैं. इन सबको मेरे, मैंने ढेर सारी बुक्स मंगा के रखी है. आजकल मुझे वो जैसे इस्मत चुगताई की मैंने एक दो बुक्स मंगाई हैं, तो वो मुझे शौक है. और पुरानी इंडिया, पुरानी अपनी पाकिस्तानी मूवीज या इंडियन मूवीज, लेकिन पाकिस्तानी मूवीज भी हमारी बहुत पुरानी है. हमारे पुराने गाने आप देखें, मैं इनको और मैं अक्सर ये इसको भी कहती हूँ कि मेरे मतलब हमारे बचपन के जो फेवरेट थे वो नदीम थे, जिनसे मुझे मिलने की बड़ी ख्वाहिश है, बहुत शदीद ख्वाहिश का मैं इजहार करती हूँ. इसने बात करवाई थी इसने मेरी और सेट पे चली जाती वो चांद और चांदनी. कितनी दफा मैं अभी भी देखती हूँ और सारे उनके गाने पुराने. वो मुझे फिर होता है कि या बुक्स पढूं या फिर ये पुरानी ये. अच्छा हमारे बच्चों को उनका पता ही नहीं है नदीम, शबनम मैम, ये कहती मुझे कह रही मम्मा एक है खातून है मैम है उनके साथ में काम करी, आई थिंक शबनम है उनका नाम. मैंने कहा हम लोग फिल्में देख पूरी पूरी रात बैठे रहते हैं. मैंने कहा बेटा मैं गई फिर इसके सेट पे स्पेशल उनसे मिलने के लिए. मैं गई, मैंने उन्हें देखा तो मुझे आप शबनम जी मेकअप करा रही थी इन्होंने. वैसे माय अम्मा इज वेरी लाइक आराम से ये बोशी, हाँ बड़ी उन्हें देखा जाती उन्हें जफ्फी डाली भाई वही. हां बिल्कुल मुझे इतना अच्छा लगा उन्हें से. मैंने कहा अम्मा ये आप क्या कर रही हैं. लाइक बेटा देखो मेरे लिए जैसे तुम्हारे लिए, अब तुम्हारे जो स्टार्स हैं मेरे लिए, तो शी वाज सो नाइस. इसलिए मैंने नदीम साहब से नहीं मिला. आपकी अम्मी मेरी अम्मी तो जब मेरी बात हुई थी उनसे तो मैं इतनी खुश थी. और मैंने उनको यही कहा कि मैंने कहा कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी ठीक है कि भाई ये जो है मेरा बेटा एक दिन आपके साथ. अब तो हमारे स्टार्स के बारे में बहुत इंटरव्यूज या फिर आप इंफॉर्मेशन नहीं है. गाने जब कभी रेडियो पर आ रहे होते थे ना उसके बीच में, अच्छा नदीम की कोई आवाज आ गई है या वहीद मुरा, ये आवाज है उनकी, ये उनकी रिया, मतलब हम लोग ये खुश होते थे. अब तो जो है वो है ही नहीं इनका. ऐसे वो लोग थे वाकई, लोग उनके लिए बहुत वाकई. नो डाउट नो डाउट. बहुत शुक्रिया आप लोगों का, इतना मजा आया ना आप लोगों के साथ. हमें भी बहुत अच्छा, आपका बहुत मजा आया. कैन यू आल्सो से समथिंग, थैंक यू सो मच. वो जो अननेसेसरली अपने शो को स्पाइस अप करने के लिए आप अपने गेस्ट की पर्सनालिटी से बात अगेंस्ट जाना पड़ता है, यू डिड नॉट डू एनी ऑफ दैट. शी नेवर डज दैट. आई लव शी नेवर डज दैट. आई नो, या दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. But that's a break. Break के दौरान बात हो जाती है ना पूरी हो जाती है. I want to encourage and empower you more that thank you. That's the show we all want to relate. Thank you. बहुत शुक्रिया आप लोगों का. This is my home. I feel like home. अब अभी जा रहे हैं. ऐसे ही लगता है जैसे ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे हैं. पहले भी अभी पकौड़े मंगाते हैं, अभी समोसे मंगाते हैं. एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं. ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जी जनाब, मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसी चीज़ की, एक ऐसी ब्रांड के जो हमारे पास सीईओज हैं उनसे, जो ब्रांड हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. उसकी वजह ये है कि देखें हर कोई जो है वो एक सर्टन ब्रांड के परफ्यूम्स तो नहीं अफोर्ड कर सकता, तो उनके लिए मेरे पास
एक हल है। ट्रू सेंस से मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर साद खान एंड मिस्टर नौरैन रजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सलाम निदा, हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठाक। मैं भी यही कह रही थी कि मैंने कहा यार आपके लोगों के परफ्यूम इतने मिलते जुलते हैं। आपने लास्ट टाइम भी ट्राई करके देखा था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सिमिलैरिटी आई होगी उसके अंदर। हाँ नहीं, एक तो थैंक यू सो मच निदा, आपने दोबारा हमें अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ बुलाया। लास्ट टाइम हमने लास्ट मंथ इसके ऊपर शो किया था, वो तो हमारा एक टेस्ट शो था ताकि हम उसको मार्केट कर सके, लोगों तक पहुंचा सके, तो उसका बहुत फैबुलस हमारे ऊपर जो है वो इसका रिस्पांस है। ना, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं, लोग घर बैठे हुए उनको इन्फॉर्म नहीं है कि मार्केट में जो है वो परफ्यूम्स डिफरेंट प्राइसेस पे हैं, कम प्राइसेस पे। कौन से इंप्रेशंस आप आज लेकर आए हैं, लॉन्च कर रहे हैं? हमने इस दफा 6 न्यू लॉन्चेस और भी किए हैं। लोगों ने हमें बहुत प्यार दिया था लास्ट टाइम, तो काफी सजेशंस और फीडबैक्स आई थी कि इनके भी निकाले और इन परफ्यूम्स के भी निकाले। और आजकल जैसे आपको पता है दिसंबर शादियों का टाइम शुरू है, अब से लेके फेब मिड तक जो है वो सब शादियां और फेस्टिवल्स ही चल रहे होते हैं माशाल्लाह से, तो उसके लिए हम लोगों के लिए बिल्कुल परफेक्ट चीज लाए ताकि घरों में जो है वो तैयार होने में और सजने में भी उनके कम एक्सपेंसेस हों और अच्छे भी लगें, सब लोग स्मेल भी अच्छा करें। तो हमने 6 नए परफ्यूम ट्रू सेंट्स में निकाले हैं, और मैं ये बताता चलूं कि ट्रू सेंट्स की हर चीज जो है वो truexpress.pk से ऑर्डर कर सकते हैं। और इस वक्त हमने जो 6 नए इनमें इंप्रेशंस निकाले हैं उसमें 3 मेन है और 3 वेमेन है। अच्छा जी, जिसके अंदर जैसे अरमानी साय का हमने निकाला है, मिस डियोर का हमने इसके अंदर निकाला है, और बहुत लोगों की एक सजेशन और उसके ऊपर मांगने के ऊपर हमने टॉम फोर्ड ऊद का भी इसके अंदर निकाला। अच्छा। है अब निदा आपको आइडिया है कि जब ये तीनों ब्रांड्स लोग मार्केट में लेने जाते हैं तो इनकी क्या प्राइसेस हैं? अभी पॉसिबली डॉलर भी बढ़ गया भाई, अब डॉलर तो भी बढ़ गया, हर दफा शॉपिंग पे आप जाएंगे इनके प्राइसेस बढ़े हुए होंगे, दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स, और लोग फिर नहीं अफोर्ड कर पाते आजकल की इतनी महंगाई हुई हुई है। बट truexpress.pk पे अगेन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि सारी प्राइसेस बहुत कम्पेटिटिव है, मैं तो कहता हूँ बल्कि मोस्टली आपको सबसे लोएस्ट प्राइसेस मिलेंगी। उसके ऊपर अगर आप कपड़े खरीदे, आप कोई एक्सेसरीज खरीदे, कोई किचन इक्विपमेंट खरीदे, तो उस पर भी प्राइसेस बहुत कम है। और आप ट्रू सेंट्स जो हमारा ब्रांड है express.pk का, उसके ऊपर भी बेस्ट प्राइसेस आप ले सकते हैं। जो हमने 3 नए निकाले हैं, उन 6 नए परफ्यूम्स निकाले, उनकी भी प्राइसेस आप समझ ले, हमने बिल्कुल जो है ना आफ्टर डिस्काउंट 899 से स्टार्ट हो रही है। अब 899 में तो इस वक्त परफ्यूम के लिए इट्स नथिंग। बिल्कुल। और मैं अगेन ये बताना चाहूंगा कि अब हमारी जो है वैरायटी भी काफी बढ़ गई है। लास्ट टाइम 10 परफ्यूम्स थे, इस दफा हम 20 के साथ आए हैं, तो चीजें बढ़ रही हैं। लोगों ने लास्ट टाइम हमें बहुत प्यार दिया था, तो हम चाहते थे कि लोगों की सजेशन सुने, उनके सामने और चीजें लेके आए, और काफी अच्छा हमारा रिस्पांस रहा था। तो ओरिजिनल से कितना सिमिलर होता है, कितनी परसेंटेज अगर मैं आपको कहूं, या आप रेट करें 10 में से? देखिए मैं तो एज अ ब्रांड ओनर हूं, मैं तो हमेशा इसको अच्छा ही कहूंगा। मैं नुरैन से पूछता हूं इसके ऊपर, नुरैन बताएं भाई। शेड लाइट, वैसे हमारे पास फीडबैक भी आया क्योंकि डेटा असल बात बताता है। बिल्कुल, ये है कि लोगों ने कहा है कि ये 90-95% सिमिलर है ओरिजिनल से, और ये कि इसकी लास्टिंग भी अच्छी है। और जिन्होंने ट्राई नहीं करा, मैं कहूंगा कि वो लोग एक बार ट्राई करके देखें परफ्यूम्स को, क्योंकि हमारे कुछ हमारा लास्ट जो है वर्साची ब्राइट क्रिस्टल का जो परफ्यूम है ये बहुत ज्यादा सेल हुआ था। अच्छा, ये बेस्ट सेलर है? जी बहुत ज्यादा सेल हुआ। बेस्ट सेलर्स में निधा हमारे पास क्रीड एवेंटस आया था, वो हमारे पास बेस्ट सेलर था, आई थिंक वो विदिन फ्यू आवर्स ही सोल्ड आउट था। वो सवाज सवाज का था, वो ये बिल्कुल सोल्ड आउट थे शुरू में ही। कुछ मेन के एक्चुअली हमने लास्ट टाइम विमेन के कम थे, 4 थे और मेन के 6 थे, तो जो विमेन थी उन्होंने बहुत तेज शॉपिंग करी और काफी सजेशंस 99% सजेशंस विमेन ही के थे। अच्छा, तो इस दफा हमने उन्हीं की 3 पसंद के जो है वो निकाले हैं, जिसमें मिस डियोर है, पॉइजन है, गुड गर्ल है उसके अंदर कैरोलाइना का, तो ये सारे हमने अपनी फीमेल कस्टमर्स के लिए निकाले ताकि लोग कम प्राइसेस पे ऑर्डर करें और गेटिंग रेडी फॉर दिसंबर फेस्टिविटी। अच्छा, अगर किसी को टेस्ट करना हो ना कि परफ्यूम्स की खुशबू सूंघनी हो, तो आप लोगों के पास कोई टेस्टर्स या कुछ ऐसी चीजें अवेलेबल हैं? बिल्कुल निदा, आपने बहुत सही चीज बोली, मैं इस पे 2 बातें करना चाहूंगा। एक तो हम 10 ml के छोटे टेस्टर्स भी बेच रहे हैं, उनकी प्राइस रफली कोई 450 की उसकी प्राइस है, ठीक है? और बहुत सारे लोग होते हैं, आजकल महंगाई भी इतनी है कि एक ही परफ्यूम वो सालों से यूज कर रहे होते हैं कि कोई और ट्राई करे, अब कोई और ट्राई करने में 25,000-30,000 का खर्चा है, और कैसे कर सकते हैं आजकल ये? तो उन सब के लिए भी हमने टेस्टर्स 10 ml के निकाले, पॉकेट साइज, नॉट टेस्टर्स, पॉकेट साइज परफ्यूम्स हैं वो,
तो वो और भी कोई और ट्राई करना चाहें तो वो ट्राई कर सकते हैं अपनी अपनी पसंदीदा कलोन या स्मेल के साथ खरीदने के लिए। तो एक ये चीज है। उसमें हमने डिफरेंट पैक ऑफ थ्रीज भी निकाले हुए हैं, पैक ऑफ टूज भी निकाले हुए हैं, ताकि कस्टमर्स को और मजीद डिस्काउंट मिले और डिफरेंट वैरायटी वो ट्राई कर सकें। तो अभी भी आप जैसे लाइक अभी का प्रोग्राम देखने के बाद भी अगर आपको फीडबैक मिलेगी कि आप ये वाला परफ्यूम भी लेकर आए, ये तो आप ये सोचा है आपने कि आप और लेकर आएंगे वैरायटी? निदा ये तो हम बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि लोग अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करें, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। तो लोग हमारे साथ बात करें, इंटरेक्ट करें trueexpress.pk के ऊपर या ट्रू सेंट्स के ऊपर फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके लोग अपने सजेशंस डालें, मोर देन वेलकम है, और हमारी टीम उस पर एक्ट करेगी। बिल्कुल जी, कुछ जीएमपी व्यूअर्स के लिए डिस्काउंट वगैरह है? निदा लास्ट टाइम भी आपके साथ हमने किया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, तो इस दफा तो हम पहले से सोच के आए हुए। अच्छा जी जी बिल्कुल। तो इस दफा हम पहले 100 क्लाइंट्स के लिए 50% ऑफ दे रहे हैं ऑन एंटायर पोर्टफोलियो, बट जस्ट फॉर द फर्स्ट 100 क्लाइंट्स। तो होपफुली आई होप के लोग उस चीज को समझेंगे और टाइम पे कॉल करेंगे। सब लोगों से मेरी एक यही गुजारिश है कि हमारी पूरी एक फुल फ्लेश टीम पीछे बैठती है, तो आप कॉल कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं, दे विल गेट बैक टू यू। एकदम बहुत सारी कॉल्स आ जाती हैं, कभी कभार तो वेबसाइट क्रैश होने का डर हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम क्यों ना, अगर आपके जो जो प्राइसेस आपको याद हैं, आप मुझे परफ्यूम उठा के बता के उसका नाम और कुछ आइडिया देंगे, ताकि वो जो 100 कॉलर्स हैं उनका तो जरा। जी ये हमारा जैसे निदा एक नया है, मिस डियोर का है ये, आप ट्राई करके देखिए। Okay. ये हम लिटरली आई थिंक 1100 की प्राइस पॉइंट के ऊपर हम इसको सेल आउट कर रहे हैं। और इसकी बॉटल भी अगर आप देखें, तो अब ये 100 जो कस्टमर्स हैं उनके लिए 50% उसके 50% के बाद 1100 की इसकी प्राइस है। अच्छा, जी, जी, जी। और अगर आप बॉटल भी देखें तो काफी जो है हमने बेसिकली काफी मतलब इट्स अ नाइस बॉटल टू हैव ऑन योर ड्रेसिंग टेबल एज वेल। बिल्कुल बिल्कुल, आप वहीं इसलिए मैं आपको खड़ा किया था ताकि आप मुझे बता सके। जी जी जरूर, मैं आपको लास्ट टाइम दूसरा आप ये देखिए, ये क्या है? ये हमारा जॉर्जी अरमानी साए है। अच्छा, आई थिंक आपका दूसरा हाथ फ्री होगा तो उसको यूज कर लेते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। और आपको बिल्कुल आइडिया होगा स्मेल का, आप देखें ये 100% जो है वो ओरिजिनल के मिलता जुलता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। सो ये जॉर्जी अरमानी की क्या है प्राइस? जॉर्जी अरमानी की ओरिजिनल प्राइस इज रफली 42,000 मार्केट के अंदर, अगर आप प्रॉपर सही वाला लें। जी जी, तो उसकी हमने जो है वो निकाली हुई है अबाउट आई थिंक 1000 के अंदर हमारा प्राइस पॉइंट। ओह माय गॉड, टेस्ट करें, ट्रायल करें और लूट। अच्छा, ऑर्डर प्लेस करने का तरीका क्या है? देखिए ऑर्डर प्लेस करने का तरीका बहुत सिंपल है, अभी हम बात कर रहे हैं तो नीचे पट्टी मतलब हमारा वो भी चल रहा होगा, फुटर भी चल रहा होगा, तो उस पे नंबर्स वगैरह आ रहे होंगे, आप उस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अदरवाइज आप trueexpress.pk के ऊपर जाएं और बेस्ट आप अवेल कर सकते हैं डिस्काउंट्स उसके ऊपर। बल्कि मैं कहूँगा दिसंबर का टाइम है, लोगों को और भी शॉपिंग करनी होती exactly. है, शादियां हैं, बर्थडे हैं, दावतें हैं, तो हमारे trueexpress.pk के ऊपर एक्सीलेंट प्राइसेस में आपको पूरी कपड़े मिलेंगे। हाँ, आपको ये गिफ्ट देने के लिए भी बहुत अच्छा है, देने के लिए क्योंकि अब हर कोई तो 42,000 का गिफ्ट तो नहीं दे सकता ना। बिल्कुल, क्यों ना भाई, जिसका बजट 1000 है, 1500 है, 2000 है, उसके अंदर रहते हुए आप बजाय इसके कोई ऐसा परफ्यूम दे जो लोग जानते भी ना हो जिसके बारे में exactly. तो जिसके बारे में जानते हैं वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है और आपके बजट में भी पूरी है। लास्ट टाइम काफी लोगों की ये डिमांड थी कि जी गिफ्ट बॉक्सेस होंगे या गिफ्ट पैकिंग्स करवा देंगे, तो उससे भी हम सीख कर आए हैं। हाँ। और लोग इस दफा अगर चाहेंगे तो हम उनको जो है वो प्रॉपर गिफ्ट पैकिंग करके उनके गिफ्ट डिलीवर भी करवाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। तो 100 जो व्यूअर्स अभी इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए फर्स्ट 100 कॉलर्स या जो भी एसएमएस करें या वेबसाइट के थ्रू 50% ऑफ है, बाकियों के लिए पूरी प्राइस है, तो जल्दी करें ताकि आप 50% प्राइस जो है अवेल कर सकें। थैंक यू सो मच। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, आज आपको बहुत रिलेटेबल शो नजर आया, माँ और बच्चे की कहानी आपने हमारी जबानी सुनी सुबह सुबह। चलें अब अपनी कहानियाँ याद करें बचपन की अपनी अम्माओं के साथ मिलकर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़। सुबह जो आई है तेरी पलके झूम के हवा के साथ झूम के हवा